is equal to 0 represents tangent. Kab kab? Whenever the point lies on the curve. Jab bhi aapka point curve ke upar lie karega, to t is equal to 0 will give us what? Equation of tangent. Directrix se agar aap koi bhi do tangents draw karoge parabola ke upar, to un dono tangents ke beech mein angle hamesha kitna aata hai? 90 डिग्री आता है। तो ये जो एक पॉइंट से आपने पहले एसिम्प्टोट के ऊपर परपेंडिकुलर डाला और उस पॉइंट से आपने दूसरे एसिम्प्टोट के ऊपर परपेंडिकुलर डाला, तो उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट है। हाइपरबोला की इक्वेशन में अपने को क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन कैटेगरी का होगा ये। हेलो बच्चों, कैसे हैं सारे के सारे बच्चे? मैं हूं आपका अपना अरविंद सुथार, स्वागत करता हूं आपका रफ्तार बैच के अंदर एक और धमाकेदार सेशन के साथ, जो कि होने वाला है कॉनिक सेक्शंस टॉपिक के ऊपर। तो मेरे ख्याल से सारी की सारी बच्चा पार्टी आ गई है। यस, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली क्लास के अंदर पूछा था कि आपको अगर कोई टॉपिक्स ऐसे करने हैं जो कि मान लीजिए आपके टर्म एग्जामिनेशन के अंदर आ रहे हैं, आपको कोई भी कठिनाई है, फील फ्री टू रीच आउट टू अस। अगर मुझे सेशंस लेने पड़े, दो सेशंस भी लेने पड़े, तो आई विल बी हैप्पी टू टेक दैट। लेकिन आपको एग्जामिनेशन के अंदर ज़्यादा मार्क्स दिला के रहेंगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो अगर किसी ने मेरे से परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस या और भी बाइनोमियल थ्योरम, दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स, इफ यू वांट टू लर्न, टू रीच आउट टू मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो द वीडियो। आप लोगों के लिए हर वो चीज़ करी जाएगी इस प्लेटफॉर्म पर, बिकॉज वी आर वर्किंग विद अ वेरी सिंपल विजन, एंड दैट इज कि भैया बच्चे की हर समस्या का समाधान हो जाए यहाँ पर, जैसा कि आप जानते हैं। तो यहां पर आपको हर तरीके की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोगों का मिल जाएगा, बस आप कुर्सी की पेटी बांध कर रखिए और अपनी जेई की पढ़ाई करते रहिए, बिकॉज आपके सपनों को साकार करने का ये जो मौका आप लोगों को मिला है कि थ्रू जेई प्रिपरेशन, तो ये मौका बहुत सुनहरा मौका है। आई हैव सीन, और इनफैक्ट मैं खुद कहूंगा कि जब मैंने इस एग्जामिनेशन को क्रैक किया था तो मेरी खुद की लाइफ भी चेंज हो गई थी, तो आपकी भी फॉर श्योर हो जाएगी। तो आज इस लेक्चर नंबर 10 के अंदर अपन कॉनिक सेक्शंस के अंदर हाइपरबोला को थोड़ा सा और इन डेप्थ लेके जाएंगे, और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कि हाइपरबोला जो टॉपिक है ये वन ऑन वन वाली चीज़ है। हम कभी भी मॉल्स के अंदर जाते हैं तो भैया एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ फ्री मिल रही होती है तो टैग से पिक कर लेते हैं ना, तो ये वैसी ही चीज़ है, बिकॉज एलिप्स अगर किसी को आता है तो हाइपरबोला उसके लिए चुटकी का खेल होने वाला है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। और आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 अगर देखा होगा तो आपको ये चीज़ ज़रूर पता चली होगी। आज आपका इस बात पर कॉन्फिडेंस और बढ़ने वाला है कि भैया ये तो वन ऑन वन वाली चीज़ है, भैया एलिप्स समझ लो, हाइपरबोला यूं ही फ्री में हो जाता है। तो चलिए चलते हैं हाइपरबोला के लेक्चर नंबर 2 के तरफ और मचाते हैं। जैसा कि आप जानते हो पिछली क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था? दो तरीके के हाइपरबोला होते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। डिफरेंस क्या होता है दोनों में? 1 के जगह पे -1 लिखा होता है। दिस हाइपरबोला एक्ट्स लाइक हॉरिजॉन्टल एलिप्स, दिस हाइपरबोला एक्ट्स लाइक वर्टिकल एलिप्स। कहने का मतलब था कि भैया अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूँ तो इसका जो ग्राफ होता है वो कैसा आता है? इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसा आता है। ये दोनों डायरेक्ट्रिसेस है, ये ग्रीन वाली, ठीक है जी। चलिए, और इसके बारे में अगर मैं बात करूं, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये ऐसा बनता है, कैसा बनता है? ऐसा बनता है। और इसमें जो दो डायरेक्ट्रिसेस होती है वो यहाँ और यहाँ आती है, राइट। फोकस हमेशा मुंह के अंदर बनता है, डायरेक्ट्रिक्स हमेशा मुंह के बाहर बनती है। इन लॉजिक्स के हिसाब से हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देख ली थी, और मैंने आप लोगों को एक और चीज बताई थी पिछली क्लास के अंदर, क्या? कि अगर मान लीजिए ये मेरा हाइपरबोला है तो दिस रीजन विल बी कॉल्ड एज एक्सटर्नल रीजन ऑफ द हाइपरबोला। इन दोनों ब्रांचेस के बीच वाला जो रीजन है उसको एक्सटर्नल रीजन बोलते हैं, और ये वाला हाइपरबोला के अंदर वाला रीजन कहलाता है, ये वाला और ये वाला, बताया था ना आप लोगों को? हाँ जी। तो चलिए इनके बारे में कुछ और बात करते हैं आज के इस सेशन के अंदर। हम लोग सबसे पहले पोजीशन ऑफ अ पॉइंट को क्विकली रिवाइज कर लेंगे, जो कि हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा भी है। फिर हम आगे बढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स, फलाना ढिकना, सारी की सारी चीजें देख लेंगे बच्चों। तो अगर मैं ये हाइपरबोला पिक कर लेता हूँ, कौन सा वाला? ये वाला। तो इस हाइपरबोला के अंदर सबसे पहले तो हमें तीन चीजें लिखनी आनी मांगती, क्या तीन चीजें? एस। एस कैसे लिखते हैं? -1 को इधर लेके आते हैं, इक्वल टू 0 को बोलते हैं, भाड़ में जाओ, तो जो बच गया वो हमारा एस हो जाता है। फिर कैपिटल टी, जो कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने के लिए या कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिखने के काम में आता है, उसको कैसे लिखते हैं?
सर एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं एक्स इंटू एक्स वन से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं वाई इंटू वाई वन से। तो इस इक्वेशन के अंदर, एस की इक्वेशन के अंदर अगर ये कर देते हैं तो हमारे पास कैपिटल टी आ जाता है। और एस वन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बस इस एस की वैल्यू के अंदर एक्स के जगह पे एक्स वन और वाई के जगह पे वाई वन डालने से हमारे पास एस वन का वैल्यू आ जाता है, जो कि सेम की सेम चीज सर्कल में भी थी, एलिप्स में भी थी, पैराबोला में भी थी और अब हाइपरबोला में भी है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखिएगा जरा, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, क्या अगर आपका ये हो गया हाइपरबोला, मान लीजिए अगर ये आपका हाइपरबोला है तो एस वन का वैल्यू एक्सटर्नल रीजन होता है ये, यहाँ पे नेगेटिव आता है, बस ये चीज थोड़ी सी डिफरेंट होती है, याद है ना आप लोगों को, बिकॉज अगर आप सर्कल्स के लिए देखो तो एक्सटर्नल के लिए पॉजिटिव आता था, अगर आप भले ही पैराबोला देखो तो एक्सटर्नल पॉइंट यानी कि बाहर लाए करने के लिए वो पॉजिटिव आता था, और यही चीज एलिप्स के अंदर भी थी, लेकिन हाइपरबोला में एक्सटर्नल में नेगेटिव आता है। इंटरनल के अंदर यहाँ पर एस वन ग्रेटर देन जीरो, तो ये इंटरनल, इंटरनल दो रीजन्स होते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला भी। और अगर ऑन द हाइपरबोला है, ऑन द हाइपरबोला है तो हाइपरबोला में कोई सी भी ब्रांच हो सकती है, भले ये वाली भले ये वाली, इन दोनों के लिए एस वन का जो वैल्यू है वो इक्वल टू जीरो आता है। तो दिस इज द थिंग दैट वी हैव ऑलरेडी लर्नड, तो मैंने कहा चलिए यार क्विकली इसके ऊपर रिविजन कर लेते हैं। अच्छा अब आप लोगों को सर्कल की इक्वेशन रिकॉल करिए, ये हमारा सर्कल, याद करिए पैराबोला, याद करिए एलिप्स, और यही चीज अब हम हाइपरबोला के लिए भी करने वाले हैं भैया। तो देखिएगा जरा, अगर मैं आप लोगों को कभी भी पॉइंट कहाँ दे दूं, कर्व के ऊपर दे दूं, अगर मैं कभी भी आपको पॉइंट कर्व के ऊपर दे देता हूं, मान लीजिए एक्स वन कॉमा वाई वन कर्व के ऊपर कभी भी अगर आपको पॉइंट दिख जाए तो आप उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट कैसे लिखते हैं बताओ जरा। सर टी इज इक्वल टू जीरो से हम उसके ऊपर टेंजेंट लिख देते हैं, और टी लिखने का तरीका तो आप लोग जानते ही हो, हाँ या ना भैया। तो t इज इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट टेंजेंट कब कब, वेन एवर द पॉइंट लाइज ऑन दी कर्व, जब भी आपका पॉइंट कर्व के ऊपर लाए करेगा तो t इज इक्वल टू जीरो विल गिव अस वॉट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये चारों चैप्टर में सेम चीज है, देखो जरा सर्कल्स पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला सबके अंदर यही होता है। तो अगर हाइपरबोला में भी इस हाइपरबोला के ऊपर मुझे बोला कि यार एट द पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन, यानी कि दिस पॉइंट एट, जैसे ही बोला तो आप समझ गए दिस पॉइंट लाइज ऑन द हाइपरबोला, दिस पॉइंट लाइज ऑन द हाइपरबोला, और अगर ये पॉइंट हाइपरबोला के ऊपर लाए करेगा तो हमारी टेंजेंट की इक्वेशन जो है वो t इज इक्वल टू जीरो करके लिखी जाएगी, यानी कि x इंटू एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन बोल लो या माइनस वन इज इक्वल टू जीरो बोल लो, एक ही बात है, चारों चैप्टर्स के अंदर सेम बात है। समझ में आ रही है भाई साहब सारे के सारे बच्चों को ये बात। दूसरी चीज आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आप लोगों को नॉर्मल के बारे में बात करूं, अगर मैं आप लोगों से नॉर्मल के बारे में बात करूं तो सर्कल में क्या होता था, सर्कल की एक खास बात क्या होती है कि यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट होता है सेंटर, जहाँ से सारी की सारी नॉर्मल्स पास होती हैं। सही बात है, नॉर्मल कोई भी हो सर्कल के केस में हमेशा सेंटर से पास होती थी, जबकि मैंने आप लोगों को बताया था कि पैराबोला एलिप्स और हाइपरबोला में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होता जहाँ से सारी की सारी नॉर्मल्स पास करें। तो यहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग फॉर्म्स देखी थी, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हम लोगों ने एक फॉर्म ये वाली देखी थी, y इज इक्वल टू माइनस, ये अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स पैराबोला है तो नॉर्मल की इक्वेशन हम लोगों ने देखी थी, क्या देखी थी, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब, याद है आप लोगों को, ये मैं इसीलिए रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि दिमाग में चीजें बैठती रहे, है ना। तो ये आपकी नॉर्मल की इक्वेशन हो गई, अगर इस पॉइंट के ऊपर कोई टेंजेंट ड्रॉ करी गई है तो लेट्स से दिस इज द टेंजेंट, तो आपकी नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो गई, आपकी नॉर्मल की इक्वेशन ये वाली हो गई, ये एंगल 90 राइट है जी। चलिए अगर मैं एलिप्स के बारे में बात करूं तो एलिप्स अगर मेरा ये है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, और वहां पे अगर मुझे नॉर्मल लिखनी होती थी तो मैं नॉर्मल कैसे लिखता था, मान लो ये आपकी टेंजेंट है, अगर यहाँ पे आपको नॉर्मल लिखनी है एट दिस पॉइंट तो नॉर्मल कैसे लिखते हो भैया। सर यहाँ पे हम नॉर्मल लिखते थे y इज इक्वल टू एम एक्स, क्या लिखते थे, पहले तो टेंजेंट लिखते थे, फिर नॉर्मल लिखने का भी तरीका मैंने आप लोगों को बताया था, नॉर्मल यहाँ पे x1 कॉमा y1 की फॉर्म में अगर लिखते हैं
तो मैंने आप लोगों को बताया था क्या आती है कि अगर x1 कॉमा y1 पॉइंट है तो इस नॉर्मल की इक्वेशन आती है, देखना जरा, ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसी आती थी नॉर्मल, याद है आप लोगों को। और अब हाइपरबोला के बारे में बात कर रहे हैं, हाइपरबोला के ऊपर अगर नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है तो समझिएगा जरा, हाइपरबोला के ऊपर अगर नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है तो मान लीजिए ये तो आपकी हो गई टेंजेंट, अब अगर आपने लिखनी है नॉर्मल तो नॉर्मल ऐसी कुछ आएगी, इस नॉर्मल की इक्वेशन समझिएगा जरा क्या हो जाती है, बहुत ही आसान है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि भैया अगर आप लोगों ने एलिप्स कर लिया तो हाइपरबोला वन ऑन वन वाली चीज़ है, फ्री की चीज़ है, तो समझिएगा जरा मैं ऐसी क्यों बात बोल रहा था आप लोगों से, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर इस एलिप्स की इक्वेशन में बी स्क्वायर के जगह पे माइनस बी स्क्वायर डाल देते हैं तो हाइपरबोला की इक्वेशन बन जाती है, बच्चों ने कहा था हाँ, तो मैं कहता हूँ नॉर्मल की इक्वेशन लिखना भी ऐसा ही है, नॉर्मल की इक्वेशन लिखना भी ऐसा ही है, देखिएगा जरा, अगर मैं इस नॉर्मल की इक्वेशन के अंदर ए स्क्वायर के जगह पे माइनस बी सॉरी बी स्क्वायर के जगह पे माइनस बी स्क्वायर डाल दूंगा तो क्या ये वाली इक्वेशन मेरी ऐसी बन जाएगी, ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सोचो जरा, देखिए यही लिखी हुई है। तो इन दी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, मैं यहाँ पे नोट करके लिख देता हूं, इन दी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू एन एलिप्स, नॉर्मल टू एन एलिप्स, जो नॉर्मल की इक्वेशन थी ना एलिप्स के लिए, उसी में इफ यू रिप्लेस बी स्क्वायर बाय माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर के जगह पे अगर माइनस बी स्क्वायर डाल देंगे देन वी गेट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू एन एलिप्स टू एन हाइपरबोला की नॉर्मल हमको मिल जाएगी। समझ में आ रही है बात सारे के सारे बच्चों को? देखिए तो हाइपरबोला के ये रिलेशन याद करने की जरूरत है क्या? नहीं भैया, याद करने की जरूरत ही नहीं है, एलिप्स की याद है तो हाइपरबोला की याद हो गई। समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों को? आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग रिकॉल करो कि भैया ये मेरा एलिप्स था, ये अगर आपका एलिप्स था और आपको एक पॉइंट के ऊपर अगर एम स्लोप की टेंजेंट लिखनी होती थी, है ना, स्लोप पॉइंट फॉर्म बेसिक स्लोप फॉर्म बेसिकली स्लोप फॉर्म ऑफ द टेंजेंट, अगर आपको ये लिखनी होती थी तो आप कैसे लिखते थे? आप लिखते थे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिखते थे, याद है आपको एलिप्स के अंदर। तो हाइपरबोला के अंदर क्या करना है देखिएगा जरा, ये आपका हाइपरबोला, अगर आपको एम स्लोप की टेंजेंट अगर लिखनी है, एक मिनट, अगर आपको एम स्लोप की टेंजेंट लिखनी है, अरविंद सर क्लास में है, है ना, बस मैं फोन नहीं उठा दे भाई साहब। चलो जी, यही चीज आप लोगों को भी फॉलो करनी है, पढ़ाई करते वक्त कुछ भी हो जाए हिलने का नहीं डुलने का नहीं, जब पढ़ाई तब सिर्फ पढ़ाई, हाँ, ताकि बेस्ट रिजल्ट आए फिर उस बात का। तो ये हो गया हमारा पॉइंट, मान लो हमको दिया हुआ है कि भैया ये है ना, इस पॉइंट के ऊपर अगर मुझे एम स्लोप की टेंजेंट लिखनी है तो इसकी इक्वेशन में कैसे लिखता हूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। देखिए कैसे आया, अब मेरे को याद करने की जरूरत नहीं है, नोट इन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एन एलिप्स, टेंजेंट इन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एन एलिप्स ऑफ स्लोप एम इन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एन एलिप्स ऑफ स्लोप एम रिप्लेस बी स्क्वायर बाय, किससे रिप्लेस कर दे बी स्क्वायर को, माइनस बी स्क्वायर टू गेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ हाइपरबोला ऑफ स्लोप एम। समझ में आ रही है बात? तो एक चीज याद करी थी इसके बेसिस के ऊपर, ये वाली चीज भी आप लोगों की हो गई।
समझ में आई बात सारे के सारे बच्चों को कि नहीं आई? अच्छा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेम है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेम है, लेकिन केवल सी का वैल्यू चेंज हो जाता है, क्योंकि होना ही है, क्योंकि ये सी का वैल्यू चेंज हुआ है बस। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेम है, बस केवल सी का वैल्यू चेंज हो जाता है, क्योंकि वहां पे एलिप्स के अंदर प्लस बी स्क्वायर आता था, हाइपरबोला के अंदर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा बस। टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ हाइपरबोला फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, यही चीज सर्कल्स में भी थी, यही चीज पैराबोला में भी, यही चीज एलिप्स में भी, यही चीज हाइपरबोला में भी। एक्सटर्नल पॉइंट से आप इन चारों कर्व्स के ऊपर कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो? दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। चलिए जी आगे बात करते हैं। इफ दिस पॉइंट लाइज इनसाइड द हाइपरबोला, इनसाइड वाला रीजन कौन सा? इनसाइड वाला रीजन एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो इनसाइड वाले रीजन के लिए मैंने S1 का वैल्यू आप लोगों को क्या बताया था? यहाँ पे उल्टा होता है बस, पॉजिटिव होता है। तो B फॉर बॉम्बे इज गोइंग टू बी द आंसर, यस और नो। और एक्सटर्नल वाला कौन सा हो गया? आउटसाइड वाला, ये रीजन हो गया आउटसाइड। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते। द कंडीशन दैट दिस लाइन इज अ टेंजेंट टू द हाइपरबोला क्या होनी चाहिए? द कंडीशन दैट दिस लाइन इज अ टेंजेंट टू द हाइपरबोला तो क्या होती है सर? एलिप्स की ये होती है, एलिप्स की ये होती है, तो बी स्क्वायर की जगह पे माइनस बी स्क्वायर डाल देने का और क्या करने का। तो सी स्क्वायर का वैल्यू हाइपरबोला के लिए कितना हो जाएगा? हाइपरबोला के लिए पी स्क्वायर के जगह पे माइनस बी स्क्वायर डाल देने का तो क्या हो जाएगा भैया? तो भैया अपने पास हो जाएगा ये वाला। समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों को? कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा है दोनों चैप्टर्स के अंदर? होना ही नहीं चाहिए भैया, है ही सेम, ये तो मतलब जोड़ीदार हैं, इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ और कि भैया अपने दिल को सुकून मिल जाना चाहिए। क्या सुकून मिल जाना चाहिए? कि भैया अपना काम और थोड़ा सा छोटा हो गया है। डायरेक्टर सर्कल के बारे में और ऑक्सिलरी सर्कल के बारे में बात करते हैं। देखिए डायरेक्टर सर्कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सबसे पहले तो हमने एक सर्कल के लिए डायरेक्टर सर्कल पढ़ा था, फिर हमने एक पैराबोला के लिए डायरेक्टर सर्कल देखा था। पैराबोला के लिए डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? डायरेक्ट्रिक्स खुद। फिर हमने एलिप्स के लिए डायरेक्टर सर्कल देखा था, फिर हमने अभी हाइपरबोला के लिए देखने चल रहे हैं। तो समझो जरा, हम लोगों ने क्या समझा था कि भैया अगर इसकी रेडियस a है तो जो डायरेक्टर सर्कल होगा वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा विद अ रेडियस रूट टू टाइम्स a। और डायरेक्टर सर्कल का फंडा क्या होता है? डायरेक्टर सर्कल का फंडा ये होता है कि अगर मान लीजिए ये व्हाइट सर्कल इस ब्लू सर्कल का डायरेक्टर सर्कल है, तो यहाँ से जो भी टेंजेंट मारेंगे ना इस ब्लू सर्कल के ऊपर, उन दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल हमेशा कितना होगा? 90 डिग्री। इस वाइट सर्कल से अगर आप टेंजेंट मारोगे इस ब्लू सर्कल पे, तो वाइट सर्कल तो बाहर लाए कर रहा है, यानी हर पॉइंट से दो दो टेंजेंट्स पड़ेंगी, उन दो 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 टेंजेंट्स के बीच में हमेशा एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। यही डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन थी बच्चों। जो काम वहां पे डायरेक्टर सर्कल करता है वही काम हाइपरबोला के लिए कौन करता, सॉरी पैराबोला के लिए कौन करता है? डायरेक्ट्रिक्स करती है। कौन करता है? डायरेक्ट्रिक्स करती है। तो डायरेक्ट्रिक्स से अगर आप कोई भी दो टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे पैराबोला के ऊपर, तो उन दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल हमेशा कितना आता है? 90 डिग्री आता है। याद है जी? चलिए बात करते हैं एलिप्स की। एलिप्स के लिए डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या थी जरा मुझे बताना? एलिप्स के लिए डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहने का मतलब है कि अगर आप यहां से दो टेंजेंट मारोगे तो इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल हमेशा कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। समझ में आई बात? और ये एलिप्स कौन सा है? ये हमारे पास जो एलिप्स है ये है कौन सा वाला? ये है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अच्छा, ए बड़ा हो या बी बड़ा हो, मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपको ये बात चमक ही गई होगी एलिप्स के अंदर। तो हाइपरबोला में भी ऐसी चीज पढ़ते हैं, तो हाइपरबोला में भी आइए ऐसी चीज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या डेफिनेशन? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू द हाइपरबोला लाइज ऑन अ सर्कल, ठीक है, उसी को नाम देते हैं डायरेक्टर सर्कल। कॉन्सेंट्रिक विद द हाइपरबोला, कॉन्सेंट्रिक विद द हाइपरबोला मीन्स सेम सेंटर। कहने का मतलब है कि अगर हाइपरबोला का सेंटर 0.0 होगा तो हमारे डायरेक्टर सर्कल का भी सेंटर 0.0 होगा। कॉन्सेंट्रिक द सर्कल इज कॉल्ड द डायरेक्टर सर्कल ऑफ द हाइपरबोला। तो समझिएगा जरा, अगर मैं एलिप्स के लिए बात करता हूँ, ये मान लो मेरा एलिप्स था, है ना, इस एलिप्स के लिए अगर मैं डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन पूछता था, तो इस एलिप्स के लिए मेरे डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या आती थी सर? इस एलिप्स के लिए हमारे पास डायरेक्टर सर्कल की जो इक्वेशन आती थी वो ऐसी आती थी सर। कैसी आती थी?
रिकॉल करो। सर ऐसी आती थी, तो मैंने कहा यार अब ये वाला और ये रिजल्ट को कंपेयर करो, सर बी स्क्वायर के जगह पे माइनस बी स्क्वायर ही तो डालना है, बस मैंने कहा वही सेम फंडा। तो टू गेट इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल फॉर अ हाइपरबोला, टू गेट इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल ऑफ अ हाइपरबोला, इन द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल ऑफ एलिप्स, डायरेक्टर सर्कल ऑफ एलिप्स पुट बी स्क्वायर के जगह पर माइनस बी स्क्वायर। देख लीजिए जरा, अगर यहाँ पे मैं बी स्क्वायर के जगह पे माइनस बी स्क्वायर डाल दूंगा तो ये वाली चीज आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, हो गया काम। देख रहे हो सारी की सारी चीजें ऐसे ही सेम बन रही है। मैंने कहा चलो यार ऑक्सिलरी सर्कल के बारे में बात करते हैं। अगर आप ऑक्सिलरी सर्कल के बारे में बात करोगे तो भैया ऑक्सिलरी सर्कल हमारे लिए, ये अगर एलिप्स था तो एलिप्स में क्या आया था, अगर एलिप्स इज फ्लैटेंड मोर ऑन टू द एक्स एक्सिस तो हमारा ये था डायरेक्टर सर्कल, सॉरी ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है, बेसिकली मेजर एक्सेस को डायमीटर मान के ड्रॉ किया गया सर्कल। अगर मान लीजिए आपका एलिप्स ऐसा होता, अगर आपका एलिप्स ऐसा होता तो आपका डायरेक्टर जो आपका ऑक्सिलरी सर्कल है वो ऐसा बन जाता है कि नहीं। अगर आपका वर्टिकल एलिप्स होता तो उसके लिए वर्टिकल ये जो मेजर एक्सेस जो है वो वाई एक्सेस के ऊपर हो जाती, तो कंसिडरिंग दैट एज डायमीटर जो भी सर्कल ड्रॉ किया जाता वो आपका ऑक्सिलरी सर्कल हो जाता। तो यहाँ पे अगर मैं ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन के बारे में बात करूं तो वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर होता था। तो चलिए यही चीजें हम ऑक्सिलरी सर्कल फॉर अ हाइपरबोला के बारे में भी देखने चलते हैं, ठीक है जी। चलो फिर, तो मैंने कहा ये तो हो गया हमारा एलिप्स की कहानी, एलिप्स की कहानी तो हो गई हमारी एलिप्स की कहानी। चलिए जी हाइपरबोला की कहानी देख लेते हैं। द फीट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी फोका, अच्छी तो प्रॉपर्टी दे दी इन्होंने, अच्छा ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले तो देखिए बेटा, ये वाला एक तरीके से हॉरिजॉन्टल एलिप्स जैसा ही होता है, तो इसकी इक्वेशन और इसकी इक्वेशन देखिए सेम है। पहली बात तो यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर क्यों डालें, डालने की जरूरत ही नहीं है। और फिर ये वाली चीज जो है, याद है कॉन्जुगेट हाइपरबोला, वन की जगह पे माइनस वन लिखा हुआ है, तो दिस एक्ट्स लाइक वर्टिकल एलिप्स, तो यहां पर इसकी इक्वेशन और इसकी इक्वेशन सेम है, देख लीजिए राइट। चलिए ये प्रॉपर्टी के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्या बोल रहा है ये प्रॉपर्टी के बारे में। अगर बात करेंगे तो देखिएगा जरा, अगर मान लीजिए ये मेरा हाइपरबोला है और इस हाइपरबोला के ऊपर मान लीजिए कि ये हमारी एक टेंजेंट है, तो इस टेंजेंट के ऊपर अगर मैं इस पहले फोकाई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और इस दूसरे फोकाई से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, तो क्या बोल रहा है, ये जो 2 फीट ऑफ परपेंडिकुलर आ रहे हैं, ये जो 2 फीट ऑफ परपेंडिकुलर आ रहे हैं, दिस इज वन फोकाई, एस डैश बोल रहा हूं इसको, इसको पहला फोकस एस बोल रहा हूं। तो अगर आपने किसी टेंजेंट के ऊपर, अगर आपने किसी टेंजेंट के ऊपर फोकाई से परपेंडिकुलर्स डाले तो उनके जो फीट ऑफ परपेंडिकुलर्स हैं, द फीट ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम फोकाई टू एनी टेंजेंट ऑन द हाइपरबोला लाइज ऑन अ सर्कल, ये जो दोनों फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ रहे हैं, ये दोनों फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक सर्कल के ऊपर लाए करेंगे, और वो सर्कल कौन सा होगा, जस्ट लाइक द प्रॉपर्टी ऑफ एलिप्स, ये सर्कल ऑक्सिलरी सर्कल होगा। याद है आप लोगों को, मैंने ये सेम चीज आपको इधर भी बताई थी कि मान लीजिए, देखिए सबसे सिंपल टेंजेंट अगर मैं एलिप्स के लिए बोलूँ ना, तो ये 4 हो सकती है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, हाँ या ना, 0, b पर और 0, -b के ऊपर, वो टेंजेंट्स जो होंगी वो हॉरिजॉन्टल होगी कि नहीं, बताओ जरा। अगर हॉरिजॉन्टल एलिप्स है आपका, तो 0, b और 0, -b के ऊपर अगर आप टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट्स जो होंगी वो आपकी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स होंगी कि नहीं होंगी, और पहला फोकस मेरा ये रहा, दूसरा फोकस मेरा यहाँ होता है, तो आप ये वाली फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बारे में बात करोगे तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर लाए करेंगे, ये भी आप फील कर सकते हो, करना जरा ठीक है इस बात को, समझ में आ रही है बात। हाँ वो इन जनरल प्रॉपर्टी है, उसका एक स्पेशल केस ये हो गया है ना। चलिए तो ये चीज ध्यान रखनी है अपन लोगों ने, अपन लोग ये चीज देख के आए हुए हैं एलिप्स के अंदर भी, कि मान लीजिए एलिप्स के ऊपर मैंने कहीं पे भी एक टेंजेंट मार दी, मान लो है ना ऐसी टेंजेंट मार दी, तो इस टेंजेंट के ऊपर अगर मैं फोकस से परपेंडिकुलर गिराऊंगा तो ये फोकस से जो गिराया हुआ जो परपेंडिकुलर है वो कहाँ लाए करेगा,
फोकस से गिराया हुआ परपेंडिकुलर जो है वो ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर लाई करेगा। थोड़ा डायग्राम अपन जब बनाते हैं थोड़ा सा गंदा बनता है, बट यू हैव टू रिमेम्बर दिस, है ना, सेम प्रॉपर्टीज है भैया, कोई डिफरेंस ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, देखिए मान लीजिए कि अगर आपको एक्सटर्नल पॉइंट कभी भी दिया होता रहता है, एक्सटर्नल पॉइंट से आप दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो, तो आप अगर t इज इक्वल टू जीरो इस पॉइंट को इस्तेमाल करके यू लिखते हो ना, तो वो कभी भी टेंजेंट की इक्वेशन नहीं देती, वो किसकी इक्वेशन देती है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन देती है। याद आ रहा है आप लोगों को? हाँ, यही सेम चीज पैराबोला में भी थी, यही सेम चीज एलिप्स में भी थी, और यही सेम चीज हाइपरबोला में भी है। तो t इज इक्वल टू जीरो गिव्स वॉट, t इज इक्वल टू जीरो गिव्स कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर आप एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हो, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन जो है वो आपकी t इज इक्वल टू जीरो से आएगी। सेम चीज, समझ में आ रही है बात? मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड, अब आप जानते हो इनफाइनाइट कॉर्ड हो सकती है किसी भी पैराबोला किसी भी हाइपरबोला के लिए, तो यहां पे समझिएगा मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड एग्जैक्टली सेम चीज t इज इक्वल टू एस वन, मतलब वो कॉर्ड जिसका कि मिड पॉइंट अगर आप लोगों को दिया गया है, तो वो कॉर्ड आप t इज इक्वल टू एस वन से सर्कल्स के अंदर भी लिखते थे, पैराबोला के अंदर भी, एलिप्स के अंदर भी, और हाइपरबोला के अंदर भी उसी से लिखते हैं, ठीक है। पेयर ऑफ टेंजेंट्स, देखिए जरा सेम फॉर्मूला है कि नहीं है, कि मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से हम कोई भी कर्व हो, भले ही सर्कल, भले ही पैराबोला, भले ही एलिप्स, भले ही हाइपरबोला, दो दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, तो उनकी अगर मुझे पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन लिखनी है, तो वो टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस इंटू एस वन। और पेयर ऑफ टेंजेंट्स का मतलब क्या है, एक टेंजेंट मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो है, और दूसरी टेंजेंट मान लीजिए कि a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो है ना। याद करिए, रिकॉल करिए कि ये अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी जा सकती है, दूसरी वाली टेंजेंट लग नहीं रही है ना, अगर यहाँ से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी जा सकती है, तो इसकी इक्वेशन मान लीजिए अगर ऐसी आ गई a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे आ गई a2x प्लस b2y प्लस c2x इज इक्वल टू जीरो, तो अगर मैं जॉइंट इक्वेशन या पेयर ऑफ टेंजेंट्स बोल रहा हूँ ना, तो उसका मतलब यही है a1x प्लस b1y प्लस c1 टाइम्स a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो, ये मीनिंग ही है उस चीज़ का। समझ में आ रही है बात? ये जो चीज़ है यही ऐसी चीज़ है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस इंटू एस वन। तो यही चीज़ हाइपरबोला में भी होगी, यही चीज़ पैराबोला में भी, यही चीज़ एलिप्स में भी, और यही चीज़ हाइपरबोला में भी। समझ में आ रही है बात? तो अगर मान लीजिए ये आपकी दो टेंजेंट्स हैं, तो एक टेंजेंट की इक्वेशन अगर ऐसे दी हुई है, दूसरे टेंजेंट की इक्वेशन अगर आपको ऐसे दी हुई है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, वही आपका टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस इन टू एस वन से आएगा। समझ में आ रही है बात? यस, बस वही सेम चीज है भैया, इसलिए तो बोला था वन ऑन वन है, स्कीम को ग्रैब कर लेना, राइट। चलिए असम्प्टोट्स, ये टॉपिक नया आता है, जो कि न तो पैराबोला में है, न एलिप्स में है, न सर्कल्स में था। असम्प्टोट्स इज द टॉपिक स्पेसिफिक टू हाइपरबोला। ये हाइपरबोला में इकलौता है, मतलब ये न तो सर्कल्स में आया था, न पैराबोला में आया था, न एलिप्स में आया था, ये हाइपरबोला में ही आता है। अच्छा, इसके बारे में मैंने लेक्चर नंबर 1 के अंदर आपको बताया था कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, या कहूँ लॉन्ग डिस्टेंस वाला प्यार एसिम्प्टोट होता है। क्यों? एसिम्प्टोट का मतलब होता है टेंजेंट एट इन्फिनिटी। तो मान लीजिए कि अगर भैया आपका ये हाइपरबोला है, ठीक है, तो यहाँ पर दो टेंजेंट्स ऐसी बनेंगी जो कि कभी भी कर्व को मीट नहीं करेंगी, ऐसे जाके इन्फिनिटी पे मीट करेंगी कर्व को, ये दोनों कर्व कभी मिल नहीं रहे आपस में, ये वाई, ये एक टेंजेंट है जो कि इन्फिनिटी पे जाके मिलती है, मतलब ये कर्व ऐसा हो जाएगा, देखिएगा जरा, है ना। देखिए मैं थोड़ी सी फील दिला देता हूँ आपको, हालांकि मैंने बता तो दिया ही था इस चीज़ के बारे में, बट फिर भी, है ना, ये मान लीजिए ऐसा है, तो ये कभी भी मीट नहीं कर रही इसके साथ, ये जो हाइपरबोला है ना, ये कभी भी मीट नहीं कर रहा है इसके साथ, कभी भी मीट नहीं कर रहा, पैरेलल मतलब एक समय पे इन्फिनिटी पे जाके मीट करेंगे और ना इधर मीट कर रहा है। सिमिलरली ऐसी ही एक और एसिम्प्टोट ऐसे भी बनती है, तो ये दोनों कभी भी मीट नहीं करती है, ठीक है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, टेंजेंट एट इन्फिनिटी बोलते हैं। ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी, और दूसरा मैंने आप लोगों के लिए एक केस और लिया था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाले केस में भी बताई थी मैंने आप लोगों को, अगर आप लोगों को याद हो तो। देखिएगा जरा, ये अगर मैं, मेरे पास ये एसिम्प्टोट्स है ना, तो मेरा हाइपरबोला ऐसा कुछ बनता है, ऐसा फील आ रही है आप लोगों को, देखेंगे सारे के सारे बच्चे,
कभी भी मिलन नहीं हो रहा। देखिए ये दो चीजें कभी नहीं मिल रही, 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 इनफाइनाइट पे जाके मिलेंगी। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है हाइपरबोला इस लाइन के साथ, इस लाइन के साथ भी हाइपरबोला लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के अंदर है, कभी मिलन हो ही नहीं रहा। तो इसीलिए हम इनको एसिम्प्टोट्स बोलते हैं, टेंजेंट एट इंफिनिटी। अब इंफिनिटी पे तो आज दिन तक कोई नहीं पहुंच पाया, जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, है ना, सात समंदर पार मिलन होगा इन दोनों का। चलिए जी, और एक चीज और बताता हूं, यहां पर आप नोटिस करिए कि हाइपरबोला के सेंटर पर ही आपकी एसिम्प्टोट्स काट रही हैं कि नहीं काट रही हैं। हाइपरबोला का सेंटर सर 0.0 अगर है तो वहीं पे तो हमारी एसिम्प्टोट्स भी काट रही हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच यू शुड कीप इन योर माइंड। लेकिन उससे पहले हम इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स के बारे में देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपको ये हाइपरबोला दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ये आपको हाइपरबोला दिया हुआ है। तो अगर आपको एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन लिखनी है ना, तो एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन लिखना बहुत ही आसान है। इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स, कुछ नहीं करना, क्या करना, देखिए इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स में केवल वो कांस्टेंट टर्म जो है ना उसकी जगह जीरो लिख दो बस। केवल ये जो कांस्टेंट है ना इक्वल टू वन, इसके जगह पे जीरो लिख दो, आपकी इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स आ जाएंगी। पहली बात तो इसी में अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसी चीज को मैं लिख सकता हूं एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी टाइम्स एक्स माइनस ए, एक्स बाय ए माइनस वाई बाय बी। हाँ या ना बच्चों, दो चीजों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो, यानी कि या तो पहली चीज जीरो और या फिर दूसरी चीज जीरो। तो ये जो दो लाइन्स आई है ना बेटा, जरा ये लाइन्स हैं कि नहीं है, देखो लाइन्स है कि नहीं है। जी सर ये लाइन्स है, एंड दैट टू पासिंग फ्रॉम ओरिजिन है कि नहीं है, देखो जरा। तो यही मेरी दो एसिम्प्टोट्स हैं, दिस इज द एसिम्प्टोट वन एंड दिस इज द एसिम्प्टोट टू। दो एसिम्प्टोट आती है ना, एसिम्प्टोट यानी ये जो दो लाइन्स जो कि इन्फिनिटी पे जाके पैराबोला को टच करती है, तो ये उनकी इक्वेशंस हो गई। समझ में आ गई सारे के सारे बच्चों को, है ना, किसी को कोई डाउट? ये एसिम्प्टोट टू, ये एसिम्प्टोट टू लिख दे रहा हूँ मैं, इसको एसिम्प्टोट टू लिख दे रहा हूँ। इसको एसिम्प्टोट टू क्यों लिख रहा हूँ जरा बताओगे? क्योंकि इसका स्लोप पॉजिटिव है, हाँ है ना। और इसको एसिम्प्टोट वन लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव है। यस, देखेंगे जरा सारे के सारे बच्चे, अगर लाइन ऐसी बन रही है तो स्लोप नेगेटिव है, लाइन अगर ऐसे बन रही है तो स्लोप पॉजिटिव है। यहाँ पर देखिए ए और बी तो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, वहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, तो इसीलिए मैंने इसको एसिम्प्टोट टू बोला है। क्लियर है सारे के सारे बच्चे? एसिम्प्टोट की इक्वेशन लिख लेंगे डायरेक्टली, प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड, द रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर दैट, राइट। चलिए तो देखिए, अगर ये आपका हाइपरबोला है तो आप लोग इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स, दो इक्वेशन आती हैं ऐसी आई थी, राइट। अच्छा, अगर मान लीजिए कि आपका है ना, तो ये बात हो गई आपकी, राइट। तो पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स ये हो गई, इसी से हमने दो ऐसे निकाली थी, है ना। यप, चलिए आगे बढ़ते हैं। एसिम्प्टोट्स ऑफ अ हाइपरबोला ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी। देखो जरा, ये सेंटर ऑफ द हाइपरबोला है मेरा, यहीं से मेरी एसिम्प्टोट्स जो है वो दोनों के दोनों पास हो रही हैं। चलिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, एसिम्प्टोट्स आर इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सेस ऑफ द हाइपरबोला। देखो जरा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है कि नहीं है, देखो जरा फील करेंगे सारे के सारे बच्चे। हाँ भैया, तो इस एक्सेस के साथ दोनों की दोनों एक्सेस जो है वो इक्वली इंक्लाइंड है। और सोचिए, अगर मैं ये वाला एंगल बोलता हूँ, ये अगर मेरा 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल भी मेरा 90 माइनस थीटा है कि नहीं है, फील करेंगे सारे के सारे बच्चे सर, यस और नो? तो ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, राइट। तो जरा देखिए कि भैया आपकी ये मेजर एक्सेस, या कहूँ ट्रांसवर्स एक्सेस, तो ट्रांसवर्स एक्सेस के साथ दोनों एसिम्प्टोट इक्वल एंगल बना रही है। देखिए, इधर थीटा गए तो ये आया, इधर थीटा गए तो ये आया। अच्छा, ये वाली होती है कॉन्जुगेट एक्सेस, इधर 90 माइनस थीटा गए तो ये एंगल, ये एसिम्प्टोट आई, इधर 90 माइनस थीटा गए तो ये आई एसिम्प्टोट। यस, तो एसिम्प्टोट्स आर इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सेस ऑफ द हाइपरबोला, राइट। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस रिजल्ट एज वेल। चलिए, तो अब एंगल बिटवीन द एसिम्प्टोट्स एक इंपॉर्टेंट चीज आती है। तो आप लोग समझिए कि अगर मैंने मेरे दो एसिम्प्टोट्स जो बनाई है, मैंने जो मेरी दो एसिम्प्टोट्स बनाई थी, एक तो इस तरीके की आई थी, क्या आई थी भैया, एक्स बाय ए माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू जीरो, एक तो ऐसी आई थी,
और दूसरी जो एसिम्प्टोट थी मेरी वो कुछ ऐसी थी बेटा, याद है आप लोगों को, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं बोलूं कि यार एंगल बिटवीन दी एसिम्प्टोट्स निकालो, और मान लीजिए मैं आपको ये वाला एंगल बोलता हूँ, ये वाला एंगल थीटा निकालो, है ना, दी एंगल बिटवीन दी एसिम्प्टोट्स, तो ये एंगल निकालना कोई बड़ी बात है क्या? मैं कहता हूँ बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। क्यों बड़ी बात नहीं है समझना जरा। यहाँ पे आप लोगों ने एंगल बिटवीन द टू लाइन्स का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन्स चैप्टर के अंदर, याद है, टैन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू। हाँ ये लेक्चर मैंने देखा है, एमएसएम सर ने आपको पढ़ाया था। तो वो फॉर्मूला यूज करेंगे तो एंगल बिटवीन द टू लाइन्स हमेशा मेरे पास आ जाता है। अगर मैं इसका स्लोप के बारे में बात करूँ तो इसका स्लोप होता है बी बाई ए, और अगर मैं इस लाइन के स्लोप के बारे में बात करूँ तो इस लाइन का स्लोप होता है माइनस बी बाई ए। हाँ तो एम वन का वैल्यू मेरे पास हो गया बी बाई ए यानी इस लाइन का स्लोप, और एम टू यानी इस लाइन का स्लोप मेरे पास हो गया माइनस बी बाई ए। तो अगर मैं एंगल बिटवीन द टू लाइन्स आप लोगों से पूछता हूं तो वो होगा कि नहीं होगा, एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू, देखिए जरा। और ये चीज करते ही आप ये जो एंगल है थीटा इसका वैल्यू निकाल लोगे, ये आएगा ऐसा। इस रिजल्ट को भी आप चाहे तो याद कर लीजिएगा, ये जो थीटा का वैल्यू है ये होता है ट्वाइस ऑफ टैन इनवर्स बी बाय ए। अभी आप टैन इनवर्स ऐसे ही करके याद कर लोगे तो ठीक हो जाएगा, ज़्यादा अपने को इसमें इन डेप्थ नहीं जाना, ये चीज़ अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ेंगे ये टैन इनवर्स, और ये बहुत ही आसान चीज़ है, ठीक है, बहुत ही आसान चीज़ है। तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया ज़रूर दे देता हूँ यहाँ पर, अब बात आई गई है। तो देखिए अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि टैन इनवर्स वन क्या होगा, तो आप ये सोचिएगा कि किस एंगल के लिए टैन का वैल्यू वन आता है, किस एंगल के लिए टैन का वैल्यू वन आता है, पाई बाय फोर के लिए, तो इसका आंसर पाई बाय फोर है। अगर मैं बोलूँ कि ये वाली चीज़, तो इसको आप ऐसा सोचिएगा कि टैन का वैल्यू किस एंगल के लिए रूट थ्री आता है, तो टैन का वैल्यू किस एंगल के लिए रूट थ्री आता है, उल्टा सोचो जरा, तो सर पाई बाय थ्री के लिए आता है, तो ये पाई बाय थ्री इसका आंसर है। अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि टैन इनवर्स वन बाई रूट थ्री, तो इसका क्या मतलब समझे आप, टैन का वैल्यू किस एंगल के लिए वन बाई रूट थ्री आता है, बताओ जरा, पाई बाय सिक्स या कहूँ 30 डिग्रीज, तो ये आपका आंसर है। लाइक दिस, ये मतलब होता है टैन इनवर्स ऑफ समथिंग का, उल्टा सोचना है बेसिकली आपको। टैन इनवर्स ऑफ वन का मतलब टैन का वैल्यू वन किस एंगल के लिए आता है, टैन इनवर्स ऑफ रूट थ्री का मतलब क्या कि टैन का वैल्यू किस एंगल के लिए रूट थ्री आता है, एंड सो ऑन। समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों को? तो ये जो हमारे पास दो एसिम्प्टोट बन रही है इनके बीच में अगर एंगल थीटा है, तो इस थीटा का वैल्यू किसके बराबर होगा, टू टाइम्स ऑफ टैन इनवर्स बी बाय ए के बराबर होगा, जो कि हम लोगों ने याद कर लेना है। अच्छा अब बी बाय ए को मैं इसेंट्रिसिटी के फॉर्म्स में लिख सकता हूँ। देखिए आप लोगों को बताया था मैंने, अगर आपका एलिप्स इस तरीके का है तो सॉरी हाइपरबोला, तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला ये होता है। तो बी बाय ए के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं बी बाय ए के जगह पे ई स्क्वायर माइनस वन भी लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस वन। तो आप जरा सोचिए कि एंगल बिटवीन दी एसम्प्टोट्स थीटा इज इक्वल टू था हमारे पास टू टैन इनवर्स बी बाय ए, तो इस बी बाय ए के जगह पे मैं यहाँ पे अंडर रूट ई स्क्वायर माइनस वन भी पुट कर सकता हूँ। तो आप ये भी चीज अपने दिमाग में रख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला अभी आपको चमकेगा नहीं लेकिन बाद में आपको चमक जाएगा, ठीक है, ये क्लास 12th का थोड़ा सा पार्ट है, तो मैं यहाँ पर जाना नहीं चाह रहा हूँ। हालांकि याद रख लोगे तो ठीक है, नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, इसको यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस, मैं बोल देता हूँ आपको, है ना, यू डोंट नीड टू रिमेंबर। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। दी इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, इसके इस हाइपरबोला के लिए डायरेक्टर सर्कल, तो रिकॉल करिए एलिप्स की इक्वेशन, एलिप्स की इक्वेशन ये थी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो उसके लिए आपका डायरेक्टर सर्कल क्या आया था बेटे? सर उसके लिए हमारा डायरेक्टर सर्कल आया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने कहा तो हाइपरबोला के लिए बी स्क्वायर के जगह पे माइनस बी स्क्वायर होता है, हाइपरबोला की इक्वेशन अगर आपकी ऐसी है तो इसमें से क्या आंसर आएगा, कैन एनीबडी टेल मी, बताओ 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 जल्दी से, गोपी टेल टेल ए बी सी डी, व्हाट इज द आंसर, आपका डायरेक्टर सर्कल क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्टर सर्कल हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर का वैल्यू 16, बी स्क्वायर का वैल्यू 9, तो 16 माइनस 9 करेंगे तो राइट हैंड साइड आ जाएगी यानी के 7, तो सी फॉर कैलकटा इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रही है बात? और डायरेक्टर सर्कल का मैंने क्या मतलब बताया,
कैरेक्टर सर्कल का मैंने मतलब ये बताया कि अगर आप दो टेंजेंट मारते हो एलिप्स सॉरी पैरा हाइपरबोला के ऊपर, तो पहली बात तो जरा समझना, इसका जो डायरेक्टर सर्कल आएगा ना वो ऐसे कैसे आएगा वो भी समझ लो जरा। इस हाइपरबोला का जो डायरेक्टर सर्कल आएगा ना वो छोटा आएगा ऐसा अंदर की तरफ। सर ऐसा छोटा क्यों आ रहा है देखो जरा, अगर मैं आप लोगों से पूछता हूँ है ना, मैं आप लोगों से पूछता हूँ थोड़ा सा, मैं यहाँ पे ज्योमेट्रिकली आइडिया, ऐसे छोटा सा आएगा ये आपका डायरेक्टर सर्कल है। सर ये इतना छोटा क्यों आया? देखो अभी बताते हैं आपको, एक्सप्लेनेशन देते हैं। अगर मैं आपसे ये वाला पॉइंट पूछूं तो क्या हो गया है, ए कॉमा जीरो। अगर मैं आपसे ये वाला पॉइंट पूछूं तो कितना हो गया, माइनस ए कॉमा जीरो। तो यहां पर अगर मैं बोलूं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है वर्टाइसेस के बीच में, तो आपका हो गया 2a, राइट है कि नहीं? तो अगर मैं एक सर्कल ऐसा ड्रॉ करता हूं, मान लीजिए अगर मैं एक सर्कल ऐसा ड्रॉ करता हूं कंसिडरिंग दीज टू पॉइंट्स एज डायमीटर, तो उसकी रेडियस तो ए होगी, हाँ या ना? ये जो अभी मैंने ब्लू सर्कल ड्रॉ किया है, अच्छा, और यहां पर मुझे इसकी रेडियस बताना, इसकी रेडियस ए से छोटी है कि नहीं है? ये आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर है, तो मेरा आर का वैल्यू तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब ए स्क्वायर में से कोई चीज सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और फिर अंडर रूट ले रहे हैं, तो ये वाला जो वैल्यू है मेरा बच्चों वो ए से छोटा आएगा कि नहीं आएगा? आई वॉन्ट यू गाइस टू फील दिस, ए से छोटा आएगा। अगर ए से छोटा आएगा तो आपको नहीं लगता है कि सर्कल छोटा हो जाएगा? फील आई सारे के सारे बच्चों को? अच्छा, अब डायरेक्टर सर्कल का फंडा क्या होता है? डायरेक्टर सर्कल का फंडा ये होता है कि अगर आपने इस सर्कल के ऊपर से अगर कोई भी टेंजेंट मारे तो वो टेंजेंट आपस में क्या होंगे, एक मान लो टेंजेंट ऐसे मारे, एक मान लो टेंजेंट जस्ट, जो भी टेंजेंट मारोगे आप वो परपेंडिकुलर्स आएंगी, जो भी टेंजेंट्स आप ड्रॉ करोगे इस सर्कल से हाइपरबोला के ऊपर वो दोनों के दोनों टेंजेंट्स के बीच में हमेशा एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। यही डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन होती है, ठीक है? चलिए इक्वेशन ऑफ द ऑक्सिलरी सर्कल रिकॉल करिए, एलिप्स को एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसके लिए अगर ए ग्रेटर देन बी है तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल क्या आती थी? इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल मेरे पास आता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बेसिकली मेजर एक्सेस को डायमीटर मान के ड्रॉ किया गया सर्कल ऑक्सिलरी सर्कल कहलाता है, जी सर कहलाता है। तो हाइपरबोला के लिए क्या हो जाएगा? सेम रहता था सर, तो यहाँ पे ये वाला आ जाएगा हाइपरबोला के लिए सेम, याद करो, हाँ या ना बच्चों? फील आ रही है कि नहीं आ रही है? ऐसा तो नहीं लग रहा है, अरे यार इतना सारा कैसे याद करेंगे? मुझे लगता है कि यार आपके लिए तो और खुशी की बात है कि चैप्टर नया चल रहा है, बट इस चैप्टर के बारे में आप ऑलरेडी सारी की सारी चीज़ें जानते हो, है ना? ठीक है, चलिए। दी एंगल बिटवीन दी एस एम टोट्स, मैंने क्या फॉर्मूला बताया आपको? पहले तो ये हाइपरबोला को ऐसे लिखेंगे, ये हाइपरबोला को पहले तो मैंने ऐसे लिखा, तो ए स्क्वायर का वैल्यू 3, बी स्क्वायर का वैल्यू 1, तो ए का वैल्यू √3, बी का वैल्यू 1। तो मैंने कहा यार एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स क्या होता है, फॉर्मूला याद करवाया आपको, एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स क्या बताया था रिकॉल करो, एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स बताया था 2 tan इनवर्स बी बाई ए। तो ये कितना हो गया, 2 tan इनवर्स पी बाई ए, यानी ऐसा। अब tan इनवर्स 1/√3 का वैल्यू लिखना सिखाया था आप लोगों को, यानी tan का वैल्यू किस एंगल के लिए 1/√3 आता है, किस एंगल के लिए 1/√3 आता है सर? π/6 के लिए। तो ये 2 तो बाहर है, इसको तो एज इट इज लिखा, और ये हो गया π/3। सो द आंसर इज गोइंग टू बी π/3। यस, रिजल्ट याद है तो देखिए क्वेश्चंस कितने जल्दी जल्दी हो जाएंगे, है ना? अभी और बहुत सारे जेई के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा आज के इस सेशन के अंदर, है ना? हाँ, तो दो एसिम्प्टोट्स किस तरीके से बनती है, एक तो बन गई ऐसी और एक बन गई ऐसी, ठीक है? पहली बात तो ये। और मेरे हाइपरबोलास कैसे बनते हैं? माई हाइपरबोलास लुक्स लाइक दिस, हाँ ये बन गए, ठीक है? सारे के सारे बच्चों को ये क्लियर है। और ये वाला एंगल इज नथिंग बट थीटा, एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट कितना हो गया, वो π/3 हो गया, 2 tan इनवर्स बी बाई ए। बस फॉर्मूला याद कर लेना, 2 tan इनवर्स पी बाई ए, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इक्वेशन ऑफ द एसिम्प्टोट्स, एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन लिखना मैंने कैसे बताया, किसी भी हाइपरबोला के लिए, किसी भी हाइपरबोला के लिए मैंने आपको एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन लिखने के लिए एक रूल बताया था। व्हाट वाज दैट रूल? द रूल वाज कांस्टेंट टर्म के जगह पे 0 लिख दो। तो मैंने कहा लिख दो यार, तो आपकी दो इक्वेशंस जो हैं वो कैसी आ जाएंगी? ऐसी आ जाएंगी सर। और इसी को अगर मैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फंडा लगा दूं, एक तो आ गई ऐसी,
दूसरी आ जाएगी ऐसी, दोनों को जीरो कर दीजिए तो x by 3 plus minus y by 2 is equal to 0, ये आ जाएगा। हाय आना एवरीवन, यस कुछ भी चीज आपको ऐसा लग रहा है कि भैया यार यहाँ तो इतना याद करना पड़ेगा या समथिंग लाइक दैट, मेरे ख्याल से नहीं लगेगा यार, मुझे नहीं लगता कि लगना चाहिए। चलिए पैरामेट्रिक इक्वेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम सर्कल के लिए रिकॉल करें, सर्कल के लिए अगर मुझे मान लीजिए ये इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर दिया हुआ है। तो अगर मुझे सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट लेना होता है तो मैं कैसे लेता हूँ, ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, याद आ रहा है आप लोगों को, ये मेरे डायरेक्ट, ये मेरे कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए। अगर मैं पैराबोला के लिए, पैराबोला में चार पैराबोला थे उसमें से मैं एक केवल ये वाला उठा रहा हूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स वाला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स वाले पैराबोला के लिए पैरामेट्रिक पॉइंट्स कैसे लिए गए थे, ए टी स्क्वायर कॉमा टू ए टी। और मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, वेन एवर यू वॉन्ट टू टेक अ पॉइंट ऑन द कर्व यूज पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, जब भी कभी मुझे सर्कल के ऊपर एक पॉइंट अज्यूम करना रहेगा तो मैं करूंगा ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, जब भी मुझे कभी इस पैराबोला के ऊपर ये पॉइंट अज्यूम करना रहेगा या कोई भी पॉइंट अज्यूम करना रहेगा तो आई विल टेक दैट पॉइंट एज ए टी स्क्वायर कॉमा टू ए टी, इससे मेरे पास वेरिएबल्स कम हो जाएंगे। फिर मैंने बात करी थी एलिप्स की, एलिप्स के केस में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स आपके क्या होते हैं, सर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हमारे होते हैं ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। अच्छा बहुत सारे बच्चे ये गड़बड़ करते हैं कि वो बोलते हैं सर ये वाला एंगल थीटा होगा, नो 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 नो, ये रॉन्ग है, ये वाला एंगल थीटा नहीं होता, थीटा इसेंट्रिक एंगल होता है। और वो कैसे निकालते थे अपन, रिकॉल करो, मैंने बताया था कि अगर मैं इसका ऑक्सिलरी सर्कल बनाऊंगा तो ये ऑक्सिलरी सर्कल पे मैं जब थीटा एंगल पर एक पॉइंट लूंगा, इस ऑक्सिलरी सर्कल पे अगर मैं थीटा एंगल पर एक पॉइंट लूंगा तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो आ जाएंगे ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, और वहां से अगर मैं परपेंडिकुलर गिराऊंगा तो वो परपेंडिकुलर यहाँ पे एक्स का वैल्यू तो ए कॉस थीटा देगा और वाई का वैल्यू बी साइन थीटा। यस याद आ रहा है। अच्छा हाइपरबोला में भी हम ये चीज करने के लिए अब जा रहे हैं, समझ में आ रही है बात, तो चलिए हाइपरबोला में भी ये चीज करने चलते हैं। तो यहाँ पे हाइपरबोला में आप समझिए कि हाइपरबोला की इक्वेशन अगर ये है तो द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। देखिए एक्स का वैल्यू ये डालिए और वाई का वैल्यू भी ये डालिए यहाँ से यहाँ पर, डोंट यू थिंक कि ऑल द इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज ऑलवेज सेटिस्फाइड। पहले तो ये देखिए सारे के सारे बच्चे, यहाँ पे पैरामीटर क्या है, थीटा पैरामीटर है, राइट समझ में आ रही है बात। और ये जो दो चीज़ें आ गई मेरी, इसी को हम बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन, राइट। जैसे सर्कल के लिए अगर बोलूँ तो x इक्वल टू ए साइन ए कॉस थीटा कॉमा वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, ये सर्कल के लिए पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स, पैराबोला के लिए बोलूँ तो x इक्वल टू ए टी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू टू ए टी, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है। एलिप्स के लिए अगर बोलूँ जहाँ पे ए इज ग्रेटर देन बी है तो एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा, ये उस एलिप्स की पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गई। सिमिलरली हाइपरबोला के लिए ये पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गई, कौन से हाइपरबोला के लिए, इसके लिए, राइट right? अच्छा यहाँ पे थीटा पैरामीटर है तो इस पॉइंट को अपन ऐसे भी सिंपली डिनोट कर सकते हैं ना, जैसे अपन एलिप्स सॉरी पैराबोला के अंदर पी ऑफ टी ऐसे डिनोट करते थे, तो पी ऑफ टी का मतलब टी इज द पैरामीटर, तो पॉइंट क्या हो गया ए टी स्क्वायर कॉमा टू ए टी। सिमिलरली अगर हाइपरबोला में कभी भी ऐसे बोल दिया गया पी ऑफ थीटा तो समझ जाना ए सेक थीटा कॉमा पी टैन थीटा होगा, समझ में आ गई बात। चलिए आगे बात करते हैं। अब आप लोगों को अगर याद होगा मैंने आप लोगों को बोला था ऐसा का ऐसा एक रिजल्ट मैंने आप लोगों को एलिप्स में भी करवाया था, क्या मतलब था उसका, देखिए अगर मान लीजिए आपके पास ये एक हाइपरबोला है, ठीक है, अगर आपके पास ये एक हाइपरबोला है तो आप लोगों को इसका एसेंट्रिक एंगल मान लीजिए इस पॉइंट का अल्फा दिया हुआ है और इस पॉइंट का मान लीजिए आपको जो एसेंट्रिक एंगल है वो बीटा दिया हुआ है, तो ये कॉर्ड की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड कैसे लिखोगे, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग, यहां पे पैरामीटर अल्फा है यहां पे बीटा है, जॉइनिंग पी ऑफ अल्फा एंड पी ऑफ बीटा इज क्या होगी, गिवन बाय दिस इक्वेशन, इज गिवन बाय इक्वेशन वन। डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लेंगे ज्यादा बढ़िया रहेगा, यही कि यही चीज मैं आप लोगों को कहां बता के आया था, यही कि यही चीज मैं आप लोगों को एलिप्स में भी बता के आया था अगर आप लोगों को याद है तो, राइट। चलिए और इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट पी कॉमा थीटा, एट पी ऑफ थीटा टेंजेंट की इक्वेशन, तो यानी कि दिस पॉइंट लाइज ऑन द हाइपरबोला ए सेक थीटा कॉमा बी टैन थीटा, तो दिस पॉइंट
lies, this point lies on the hyperbola. और अगर on the hyperbola है तो t is equal to 0 will give us what? Therefore, that is t is equal to 0 will give us equation of tangent. आया ना? तो देखिए जरा t is equal to 0 लगाइए और x1 और y1 के जगह पे यूज करिएगा a sec theta comma b tan theta, तो आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन आती है कि नहीं आती है? सेम फंडे, सेम फंडे. समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों को? चलिए, तो ये एक रिजल्ट है, जो कि रिजल्ट क्या है मैं आप लोगों को एक बात बता दूं. देखिए क्या रिजल्ट है. प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला टू इट्स एसिम्प्टोट इज कॉन्स्टेंट. मान लीजिए कि आपके पास ये एक हाइपरबोला है और यहाँ पे आपकी एसिम्प्टोट है. ठीक है, मान लीजिए कि आपने यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, तो है ना, मतलब थोड़ा सा ऐसा लेता हूँ ताकि डिस्टेंस को विजुलाइज हो. मान लीजिए आपने कोई भी पॉइंट हाइपरबोला के ऊपर यहाँ ले लिया, तो एक परपेंडिकुलर डाला आपने पहली एसिम्प्टोट के ऊपर, दूसरा परपेंडिकुलर आपने डाला दूसरे एसिम्प्टोट के ऊपर. तो ये जो एक पॉइंट से आपने पहले एसिम्प्टोट के ऊपर परपेंडिकुलर डाला और उस पॉइंट से आपने दूसरे एसिम्प्टोट के ऊपर परपेंडिकुलर डाला, तो उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट है. क्या है? यस, उन उस दोनों एसिम्प्टोट्स के ऊपर परपेंडिकुलर डाला है आपने सेम पॉइंट से, तो पी वन इंटू पी टू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है. आप लोगों को ये प्रूव करना है. समझ में आ रही है बात? रिजल्ट याद रहेगा क्या? कि अगर आपको हाइपरबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट दिया हुआ है, आपने उस पॉइंट से पहले एसिम्प्टोट के ऊपर तो एक परपेंडिकुलर डाला P1 और दूसरा परपेंडिकुलर P2 डाला आपने दूसरे एसिम्प्टोट के ऊपर उसी सेम पॉइंट से, तो उन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा. यही चीज़ प्रूव करके बताई गई है. देखिएगा ज़रा कैसे करेंगे. सबसे पहली बात तो हम एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन जानते हैं बच्चों, एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन हम लोग जानते हैं. और मान लीजिए मैंने पैराबोला के सॉरी हाइपरबोला के ऊपर ये पॉइंट ले लिया, तो आपको स्ट्रेट लाइन के अंदर सिखाया गया होगा कि किसी पॉइंट की किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे लिखी जाती है. याद है आप लोगों को? किसी पॉइंट की किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे लिखी जाती है. ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन कैसे लिखेंगे? इस p का वैल्यू अपन लिखेंगे मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. याद है सारे के सारे बच्चों को? याद है कि नहीं है? ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को कहाँ पढ़ाया गया था? स्ट्रेट लाइंस के अंदर. स्ट्रेट लाइंस का कॉन्सेप्ट है ये. किसी पॉइंट की किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है? ऐसे निकाली जाती है. तो आपको पॉइंट दिया हुआ है, आपको दो एसिम्प्टोट्स यानी दो लाइंस दी हुई है, तो P1 और P2 का वैल्यू आप लोग ऐसे निकाल लोगे बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला. और वो चीज उसका प्रोडक्ट आपको कॉन्स्टेंट प्रूव करना है. तो ये आपने पहली लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखी, ये आपने दूसरी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखी, दोनों का आप मल्टीप्लीकेशन कर दो, देखो जरा कांस्टेंट आएगा. याद रखिए sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता था? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री sec स्क्वायर थीटा को इधर लेके आएंगे तो अपन बोल सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो जरा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा. और उसकी जगह पे हम 1 पुट कर देंगे, और अगर 1 पुट कर देंगे तो मेरे ख्याल से बात बन जाएगी. यस, सारे के सारे बच्चे देखिए, एक परपेंडिकुलर ये आया, एक परपेंडिकुलर ये आया, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ऊपर तो 1 बन गया और नीचे a और b तो हमेशा कांस्टेंट ही होते हैं. तो दिस इज द थिंग दैट यू आर गेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ दोस टू परपेंडिकुलर्स. बस आपका काम बन गया सारे के सारे बच्चे. क्लियर है ये रिजल्ट आप लोगों को? किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए. चलिए जी आगे बढ़ते हैं. तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देख लेते हैं अपन, है ना. नॉर्मल की इक्वेशन याद करिए, एलिप्स के अंदर क्या थी? एलिप्स के लिए हम लोगों ने देखा था कि ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये था नॉर्मल एट एक्स वन कॉमा वाई वन. और अगर मैं नॉर्मल एट द पैरामेट्रिक पॉइंट बोलता था एलिप्स के लिए, तो वो क्या होती थी? रिकॉल करो, नॉर्मल एट ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा क्या हो जाएगी? x1 के जगह a cos theta डाल दो और y1 के जगह पे b sin theta डाल दो. तो ये हो गया ax upon cos theta minus by upon sin theta is equal to a square minus b square. ऐसी होती थी कि नहीं होती थी यार, जरा मुझे बताओ. yes होती थी. तो जरा
यहाँ पे मैंने आप लोगों को लिए हाइपरबोला में क्या सिखाया था, मैंने हाइपरबोला में आप लोगों को सिखाया था कि नॉर्मल की इक्वेशन कैसे आती है, पी स्क्वायर के जगह पे बस माइनस बी स्क्वायर डाल दो। तो नॉर्मल एट, अगर मैं एक्स वन कॉमा वाई वन आप लोगों को बताया था तो क्या हो जाती है, नॉर्मल की इक्वेशन एट एक्स वन कॉमा वाई वन ऑन द हाइपरबोला वो हो जाती है ए स्क्वायर एक्स बाय एक्स वन प्लस बी स्क्वायर वाई बाय वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेसिकली करते क्या है, इस इक्वेशन के जगह पे पी स्क्वायर के जगह पे माइनस बी स्क्वायर डाल देते हैं, हाँ या ना, बी स्क्वायर के जगह पे माइनस बी स्क्वायर डाल देते हैं, तो ऐसी इक्वेशन आ जाती है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स पर नॉर्मल लिखो, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स पर नॉर्मल लिखो, यानी कि मैं आपसे बोल रहा हूँ ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा के ऊपर टेंजेंट नॉर्मल लिखो। तो भैया डाल दो एक्स वन की जगह पे ए सेक थीटा और वाई वन के जगह पे बी टेन थीटा, देखो जरा नॉर्मल ऐसी आती है कि नहीं आती है। सारे के सारे बच्चे फील करो, याद करने की जरूरत है क्या? नहीं सर, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की? और उसका प्रूफ अगर देखना है तो प्रूफ में नॉर्मल का आप लोगों को बता के आया हूँ। क्या प्रूफ बताया हुआ है, सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं, यानी टेंजेंट का स्लोप लेके आ जाते हैं, फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, माइनस वन होता है, तो वहां से हम स्लोप ऑफ नॉर्मल लिख के आ जाते हैं। और हमको किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए दो चीजें चाहिए होती है, क्या दो चीजें भैया, एक तो स्लोप और दूसरा पॉइंट। पॉइंट हमें ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा गिवन है, स्लोप हमने टेंजेंट के स्लोप से निकाल लिया, बिकॉज दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल करूंगा तो माइनस वन आना चाहिए, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल यहां से आ जाएगा माइनस ए टेन थीटा अपॉन बी सेक थीटा, स्लोप आ गया। पॉइंट ऑन द पैराबोला हाइपरबोला आपको पता ही है, ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा, आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख लोगे, बस आपका काम बन गया, ये आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल। आपको पता है कि आपकी जो नॉर्मल है वो ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा से पास होगी, इसी को प्रूव करते गए, एट दी एंड आपके पास रिजल्ट आ गया। क्लियर सारे के सारे बच्चों को? किसी प्रकार की कोई आपत्ति मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। तो भैया अगर ये आपका हाइपरबोला है, ऑब्वियसली बात है ये हमारा हाइपरबोला है, देखते ही बता सकते हैं आप, तो हाइपरबोला है कि पैराबोला है कि एलिप्स है। तो यहां पे अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों के पास पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगी, ये होगी कि नहीं होगी, सारे के सारे बच्चे रिकॉल करो, एलिप्स में क्या थी, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा थी, याद है? चलिए जी, और एलिप्स में ही अगर ए और बी इक्वल हो जाते हैं तो वो सर्कल हो जाता है, यानी सर्कल के लिए ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा थी कि नहीं थी। चलिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी ऑफ थीटा मुझे बताना है, तो थोड़ा सा दिमाग के अंदर उन चीजों को बिठाइए, एलिप्स के लिए लिखिए पहले, है ना, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके करेंगे ना तो याद हो जाएगी। एलिप्स के लिए एट एक्स वन कॉमा वाई वन नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती थी, एलिप्स के लिए नॉर्मल की इक्वेशन एट एक्स वन कॉमा वाई वन होती थी ए स्क्वायर एक्स बाय एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई बाय वाई वन। दोनों याद करने जाओगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो एक याद करो और उसके थ्रू दूसरे निकालने की हमेशा कोशिश कर लिया करो, शुरुआत में ऐसे करोगे तो फिर कभी भी दिक्कत नहीं होगी, तो दोनों याद करने जाओगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया एलिप्स में कौन सी थी, हाइपरबोला में कौन सी थी। तो एलिप्स की याद कर ली, अब यहीं पे अगर मैं हाइपरबोला की पूछता हूं तो बी स्क्वायर के जगह पे माइनस बी स्क्वायर डाल दो, समझ में आ रही है बात? जी सर। तो यहां पे अगर मैं हाइपरबोला की पूछता हूं तो वो क्या हो जाती है, ऐसी हो जाती है सर, पी स्क्वायर के जगह पे माइनस बी स्क्वायर डाल दिया तो ऐसी हो जाती है। अब मुझे बोल रहा है एट पी ऑफ थीटा, एट पी ऑफ थीटा यानी एट द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ हाइपरबोला पी ऑफ थीटा बोले तो कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा सर ए सेक थीटा कॉमा बी टैन थीटा। तो एक्स वन के जगह पे डाल देते हैं ए सेक थीटा, वाई वन की जगह पे डाल देते हैं बी टैन थीटा, तो हमारी इक्वेशन आ जानी चाहिए। तो हमारी इक्वेशन कौन सी आ गई बेटे, ये वाली आ गई सर। यस, एनी वन इज हैविंग एनी कन्फ्यूजन तो मुझे बताओ यार, दिमाग के अंदर चीजें बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है बेटा? चलो, द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला टू इट्स एसिम्प्टोट्स, याद करो, ऐसा कोई रिजल्ट मैंने आप लोगों को बताया था क्या? अगर मान लीजिए आप रिजल्ट भूल गए, मान लीजिए आप रिजल्ट भूल गए और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो क्या करेंगे, वो भी बता देता हूँ, ठीक है? यस, तो देखिएगा जरा, पहले तो क्वेश्चन की फीलिंग ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन की फीलिंग कुछ इस प्रकार है कि एक तो हमारी एसिम्प्टोट, अच्छा यहाँ पे एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि नहीं, कॉन्स्टेंट टर्म को जीरो रख दीजिए केवल, तो एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एक तो आ गई वाई इज इक्वल टू एक्स और एक आ गई y इज इक्वल टू माइनस एक्स, हाँ या ना, एक एसिम्प्टोट ये हो गई और एक एसिम्प्टोट ये हो गई, फील कर सकते हैं? सारे
सारे के सारे बच्चे एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन कैसे निकालते हैं? हाइपरबोला की इक्वेशन के अंदर केवल कांस्टेंट टर्म को जीरो पुट कर देते हैं, तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, और उसी को लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो एक इक्वेशन आ गई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, एक आ गई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस वाई तो ये रही, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो वाली ये रही। तो ये मेरी एसिम्प्टोट्स हो गई। सो दिस इज हाउ माई हाइपरबोला विल बी लुकिंग लाइक। पहली बात तो ये, मैंने कहा ठीक है यार मेरा हाइपरबोला ऐसा दिखेगा। पहली बात, अच्छा मुझे बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन दी हाइपरबोला इज गोइंग टू बी व्हाट। तो मैं तो आपसे एक सिंपल सी चीज बोलता हूँ, देखो है ना, आप हाइपरबोला के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लो यार, कोई भी एक पॉइंट ले लो, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यार ए और बी दोनों के दोनों इक्वल है और उनका वैल्यू कितना है। एट को नीचे भेजेंगे तो उसका वैल्यू है टू रूट टू। तो हाइपरबोला के ऊपर अगर आपको कोई भी पॉइंट लेना है तो आप लोगे टू रूट टू सेक थीटा कॉमा टू रूट टू टेन थीटा, हाँ या ना? जी सर, ये वाला पॉइंट लेंगे। तो इस पॉइंट की y इज इक्वल टू x से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या? जी सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए आप लोगों ने ये वाला पॉइंट ले लिया, ये p ऑफ थीटा। तो यहां से पहले तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिराओगे, इसको P1 बोल दिया, और यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिराओगे, इसको P2 बोल दिया। तो P1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इस लाइन को मैं y माइनस x इज इक्वल टू जीरो लिख दे रहा हूं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो P1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? सर P1 का वैल्यू हो जाएगा, इसमें P ऑफ थीटा पुट करेंगे, आया ना? तो टू रूट टू टेन थीटा माइनस टू रूट टू सेक थीटा, टू रूट टू टेन थीटा माइनस टू रूट टू सेक थीटा का मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय रूट टू, ये मेरा P1 हो गया। P2 का वैल्यू अगर मैं लिखूंगा तो P2 का वैल्यू कैसे लिखूंगा? सर लाइन मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो लिखी जाएगी, तो इसके ऊपर अगर मैं P ऑफ थीटा से परपेंडिकुलर गिरा रहा हूँ यानी ये वाला लेंथ, तो कैसे लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा टू रूट टू सेक थीटा प्लस टू रूट टू टेन थीटा डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर यानी रूट वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर यानी रूट टू। तो P1 इंटू P2 मल्टीप्लाई करके देखो जरा कितना आ रहा है। P1 इंटू P2 करो, P1 इंटू P2 अगर आप करोगे तो ये आ रहा है कितना, वन बाई टू टाइम्स टू रूट टू इंटू टू रूट टू कॉमन लेके मल्टीप्लाई कर दोगे तो एट, और ये आ गया सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया फोर इंटू वन बोले तो फोर। तो P1 इंटू P2 कितना आ रहा है? फोर आ रहा है। अगर आप फॉर्मूला भूल गए तो आप ये करोगे, मतलब रिजल्ट भूल गए तो, और अगर आपको रिजल्ट याद है तो आप क्या करोगे देखना जरा, मेथड टू। वो रिजल्ट आया था कुछ P1 इंटू P2 इज इक्वल टू वन अपॉन वन बाय ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर, ऐसा कुछ आया था, याद है आप लोगों को? तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रिजल्ट। और अगर रिजल्ट याद है तो फिर और जल्दी आ गया, और नहीं याद है तो भी चलेगा यहाँ पे, ठीक है, इतना काम का रिजल्ट नहीं है इसलिए इतनी ज़्यादा चीज़ें याद नहीं हो पाएगी, तो भी कोई बात नहीं। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? एट इंटू एट अपॉन एट प्लस एट, तो ये कितना आ गया? 64 अपॉन 16 बोले तो 4 आ गया, ऐसे भी हो सकता था, राइट, क्लियर है या? चलिए, तो P2 को देख के मुझे मेरे एक दोस्त की याद आ गई। एक्चुअली जब हम IITs के अंदर पढ़ते थे तो वहाँ पे मतलब एक कल्चर होता है लड़कों के अंदर कि भैया कभी भी है ना नाम से नहीं बुलाते एक दूसरे को, है ना, सरनेम से बुलाते हैं, जो कि हमारी क्रिकेट टीम के अंदर भी होता है ना, क्या होता है कि भैया जाधव और ऐसे बुलाते हैं हम लोग, धोनी है ना, कोहली ऐसे बुलाते हैं, तो लड़कों में भी ऐसे ही ट्रेंड होता है। तो हमारे दो दोस्त थे जिनका सरनेम था पुनिया, तो हमने कहा यार इनको पुनिया बुलाएं तो एक को बुलाएं दूसरा सुनता है, तो हमने कहा यार इनके नाम में तो कन्फ्यूजन हो गई, तो हमने एक का नाम P1 एक का नाम P2 रख दिया था, ठीक है, ताकि भैया P1 P2 पता रहे कि भैया कौन है। हालांकि लड़कों के नाम बहुत खतरनाक से होते हैं, आधे लड़कों के दोस्तों के नाम तो ऐसे होते हैं कि आप पब्लिक प्लेस में ले भी नहीं सकते हैं, जैसे हमारे भी दोस्त थे, हमारे जैसे दोस्त थे, एक था माली, एक था साइलेंसर है ना, एक था गागा, एक था गुज्जू क्योंकि वो गुजरात से था, एक था लूना, ठीक है, एक था सीपी, एक था डीओ, ठीक है, एक था जेजे, उसका फुल फॉर्म तो मैं बता भी नहीं सकता आपको, ठीक है, एक और था जो दो और थे जिनके नाम मैं आपको बता नहीं सकता, एक था कुक्कू, ठीक है। तो लड़कों के दोस्तों के नाम मतलब होते कुछ और हैं, लेकिन जो ग्रुप के अंदर रखे जाते हैं वो कुछ अलग ही लेवल के होते हैं, नहीं? चलिए यार,
आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना। इफ द वर्टाइसेस ऑफ अ हाइपरबोला बी एट -2.0 एंड 2.0, -2.0 पर और 2.0 पर अगर मेरे वो हैं वर्टाइसेस, तो समझिएगा जरा, अगर वर्टाइसेस आपके एक्स एक्सिस के ऊपर हैं तो आपका हाइपरबोला कैसा बन रहा होगा, फील करो सर। अगर वर्टाइसेस हमारे यहाँ पर हैं तो हमारा हाइपरबोला ऐसे ही बनेगा सर, याद आ रही है? हाँ सर, एक के कोऑर्डिनेट्स -2.0, एक के कोऑर्डिनेट्स 2.0। मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया। एंड वन ऑफ इट्स फोकाई बी -3.0, तो एक फोकाई ये रहा -3.0, तो मुझे एक बात बताओ, दूसरा फोकाई आप खुद से नहीं लिख सकते? जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ पे होगा 3.0 पर, राइट एवरीवन? ठीक है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज नॉट लाई ऑन दिस हाइपरबोला, इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि हाइपरबोला पे लाई नहीं करता? तो हाइपरबोला पे लाई करता है कि नहीं करता, ये चेक करने के लिए अपने को क्या चाहिए, हाइपरबोला की इक्वेशन। हाइपरबोला की इक्वेशन में अपने को क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन कैटेगरी का होगा ये, यानी ए और बी का वैल्यू चाहिए। तो मैंने कहा यार ए और बी का वैल्यू चाहिए, तो मुझे एक बात बताना, ए का वैल्यू तो आपको साफ दिख रहा होगा बिकॉज इस हाइपरबोला के लिए आपके वर्टाइसेस की वैल्यू क्या होती है, 1.0 और 1, -1.0 और 1.0, तो ए का वैल्यू तो 2 साफ दिख रहा है। अच्छा दूसरी बात, फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ए इंटू ई, तो ए इंटू ई का वैल्यू आपको साफ 3 दिख रहा है कि नहीं, तो इस हिसाब से आपको ई का वैल्यू 3/2 दिख रहा है कि नहीं। और एसेंट्रिसिटी ऑफ अ हाइपरबोला वैसे भी 1 से बड़ी होती है, तो आपका और वेरिफिकेशन भी हो गया यहाँ से। मैंने कहा चलो ठीक है, इस हाइपरबोला के लिए एसेंट्रिसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सर एसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी आती है, तो आपने बताया था 1 प्लस होगा और ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स की तरह करता है, तो फॉर्मूला ये वाला होता है, तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस, सर ई स्क्वायर का वैल्यू तो है मेरे पास तो डाल ही देता हूँ, ई का वैल्यू अगर 3/2 है तो ई स्क्वायर का वैल्यू 9/4, बी स्क्वायर का वैल्यू है नहीं और ए स्क्वायर का वैल्यू 4, ऐसा हो गया। तो ये आ गया मेरे पास कितना, ये आ गया 5/4 इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 4, तो बी का वैल्यू आ गया मेरे पास कितना, ±√5। तो अगर b का वैल्यू मेरे पास, अच्छा माइनस तो हो नहीं सकता, तो +√5 ही हो गया, ठीक है, बिकॉज a और b कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। अब आपको क्या हाइपरबोला की इक्वेशन लिखने में कोई भी दिक्कत होगी क्या? नहीं सर नहीं होगी। तो हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू 1। आप लोगों को पता होगा कि भैया हाइपरबोला के अंदर a बड़ा है कि b, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे इक्वल टू माइनस होता तो वो वर्टिकल हाइपरबोला बनता है, राइट, याद है आप लोगों को? बस अब आपके पास अगर हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई तो आप ये देख सकते हो, आउट ऑफ दीज फॉलोइंग पॉइंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट लाई ऑन द हाइपरबोला, तो देख लो ए बी सी डी वेरीफाई करके कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करता, जो नहीं करता वो आपका आंसर है, बिकॉज ये बोल रहा है डज नॉट लाई। है कि नहीं इजी क्वेश्चन, बताओ सारे के सारे बच्चे। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग दैट दिस इज अ रीसेंट ईयर जेई क्वेश्चन, रीसेंट ईयर जेई प्रॉब्लम है ये, मतलब रीसेंट ईयर का मतलब क्या, 2019-20-21 किसी एक साल का क्वेश्चन है ये लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपके जेई के एग्जामिनेशंस में आ रहे हैं। तो गाइज व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, आई वॉन्ट टू नो यार, क्या आपको ये चीज़ इजी लग रही है कि मुश्किल लग रही है कि क्या लग रही है यार, पहले तो मुझे ये जरूर बताओ, बिकॉज जेई के क्वेश्चंस इज आवर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। बिकॉज देखो क्वेश्चंस यू विल फाइंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू कैन फाइंड आउट इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर जेई, तो इनफाइनाइट क्वेश्चंस यू गाइज कैन सॉल्व, मतलब कोई अंत ही नहीं है उन क्वेश्चंस का, राइट? लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर योर जेई एग्जामिनेशन इज आई थिंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, आपसे सॉल्व हो रहे हैं, आपको रास्ते पता चल रहे हैं हाउ टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स और नॉट, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आपका कॉन्सेप्ट या कहूँ आपका टॉपिक के ऊपर कमांड कैसा है। ऑल राइट बच्चों, तो चलिए चलते हैं सेकेंड नेक्स्ट प्रॉब्लम के तरफ। ओके, इफ अ हाइपरबोला हैज लेंथ ऑफ इट्स कॉन्जुगेट एक्सिस इक्वल टू 5। अब समझिए जरा, इस क्वेश्चन को अगर आप रीड करते हो तो आपको ये समझ में आ रहा है क्या कि आपका हाइपरबोला कैसा है, मतलब एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, या फिर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, पता नहीं चल रहा, राइट? तो नहीं पता चल रहा तो वी विल अज्यूम वन केस, हम लोगों ने अज्यूम कर लिया ये वाला केस। अगर ये वाला केस हम लोगों ने अज्यूम कर लिया तो हमारी कॉन्जुगेट एक्सेस की लेंथ कौन सी हो जाती है, 2b इज इक्वल टू 5 हमको दिया हुआ है, हमने इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकाई, तो यहां पर अगर मैं कंसिडर करूं तो एक फोकस मेरा होगा ae,0 और दूसरा फोकस मेरा होता है क्या, -ae,0। सो व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोकाई गाइज, क्या हो जाएगा,
टू ए ई, तो टू ए ई का वैल्यू अपने को 13 दिया हुआ है, इक्वेशन टू हो गया ये अपना। अब अपने को क्या बोला हुआ है, इसेंट्रिसिटी निकालो। तो इसेंट्रिसिटी और ए और बी के बीच में एक रिलेशन अपन सारे के सारे बच्चे जानते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर हाइपरबोला, क्या होता है वो, वन प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यस और नो। तो ये अपने पास तीन रिलेशन हो गए ए ई और बी के अंदर, और डोंट यू थिंक कि अपने पास तीन वेरिएबल्स है ए ई और बी, एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग अस कि भैया इसेंट्रिसिटी निकालो। तो ये क्वेश्चन सॉल्वेबल है कि नहीं, सारे के सारे बच्चे बताएंगे यार जरा। तो बी का वैल्यू अगर मैंने पूछा तो कितना हो गया, 5/2। मैंने कहा ठीक है, अगर मैं यहाँ से ए का वैल्यू लिख दूँ तो कितना हो जाएगा, 13/2e, और अगर मैं ये दोनों की दोनों वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देता हूँ तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1+b का वैल्यू 5/2, और मेरा ए का वैल्यू 13/2e अगर हो गया तो ये मेरे पास अपना आंसर इसेंट्रिसिटी का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा फ्रॉम दिस इक्वेशन गाइस, सारे के सारे बच्चे मुझे बताएंगे। और ये क्वेश्चन की मजे की बात क्या है पता है, ये रीसेंट ईयर का जेई मेंस प्रॉब्लम है, रीसेंट ईयर का प्रॉब्लम है काके। तो मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है, डुएबल है कि नहीं है, सारे के सारे बच्चे कर सकते हैं इसके बाद? अगर हाँ तो आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर स्टार, इसको मैं नाम दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर स्टार करके लिखोगे, और जो भी इसका ऑप्शन है ए बी सी डी, यू गाइज विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो द वीडियो। और ये क्वेश्चन इजी किल कैटेगरी के अंदर अगेन आ रहा है, तो मैं आपसे कह रहा हूं क्या 1+1 वाली चीज हो रही कि नहीं हो रही है, 1-on-1 free, मतलब एलिप्स अगर आ गया तो हाइपरबोला में कुछ भी नहीं है, एंड लुक एट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो आप लोगों को और आइडिया लगना चाहिए कि भैया यार बड़े इजी इजी सवाल पूछे जा रहे हैं जेई के एग्जामिनेशन के अंदर, आए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सारे के सारे बच्चे। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला ये वाला इज पैरेलल टू दिस पर्टिकुलर थिंग। तो मैंने कहा यार अगर मैं एक बात कहूं कि स्ट्रेट लाइन के अंदर हमने पढ़ा हुआ है लाइन पैरेलल टू, अगर मुझे मान लीजिए, सबसे पहले तो मैं इस लाइन को ऐसा लिख देता हूं, अगर आप नहीं भी लिखते तो भी आपका काम बन जाता वैसे, y इज इक्वल टू आप x-2, इसको ऐसा लिख सकते हो। तो इसके पैरेलल अगर आपको कोई लाइन लिखनी है तो आप क्या पैरेलल लाइंस में क्या लिखते हो, आप सेम स्लोप लिखते हो। तो लाइन पैरेलल टू y इज इक्वल टू x-2, अगर ऐसी लाइन है तो उसके पैरेलल लाइन कैसी लिखी जाएगी, इज y इज इक्वल टू x प्लस सम कांस्टेंट, केवल कांस्टेंट टर्म चेंज होता है, isn't it? y इज इक्वल टू mx प्लस c के पैरेलल अगर लाइन लिखनी है तो वो y इज इक्वल टू mx प्लस अनादर कांस्टेंट यानी c1, ऐसे हो जाएगी। तो मैंने लिख दी। अच्छा फिर मुझे बोल रहा है कि द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस हाइपरबोला बताओ। तो मैंने कहा यार पहले तो मेरे हाइपरबोला की इक्वेशन क्या है, सर वो ऐसी है। अगर हाइपरबोला की इक्वेशन मेरी ऐसी है तो इसमें मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखता हूं, याद करो सर, इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं तो सर एलिप्स की अपने को याद है, एलिप्स की क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वाला जो एलिप्स होता है, जहां पे ए ग्रेटर देन बी अगर होता है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है सर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अपनी उस केस में ऐसी होती है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर मुझे हाइपरबोला के लिखनी है तो बी स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाता है बच्चों, माइनस बी स्क्वायर, दैट्स इट। तो यहां पे अगर मैं टेंजेंट लिखूंगा तो वो कुछ ऐसी हो जाएगी, हाँ या ना सारे के सारे बच्चे। अब जरा देखो एम का वैल्यू आपके पास है, एम का वैल्यू आपके पास है कितना, हियर एम इज इक्वल टू 1 गिवन टू यू, और अगर एम इज इक्वल टू 1 आपको गिवन है, ए स्क्वायर का वैल्यू आपको गिवन है, बी स्क्वायर का वैल्यू आपको गिवन है, तो डोंट यू थिंक कि आपका टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा, द क्वेश्चन इज वांटिंग दैट ओनली। तो ये हो गया वाई इज इक्वल टू 1 × x प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर का वैल्यू 5, एम स्क्वायर का वैल्यू 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4, यस और नो बच्चों? तो ये इक्वेशन आपकी आ गई वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस 1, कौन सा ऑप्शन देखो जरा, ए बी सी डी विच वन इज द करेक्ट आंसर, मेरे ख्याल से ऑप्शन ए एब्सोल्युटली। एंड मजे की बात ये भी एक रीसेंट ईयर जेई मेंस का प्रॉब्लम है, रीसेंट ईयर जेई प्रॉब्लम। तो भैया देख लो यार क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं इस टॉपिक के, इजी खेल कैटेगरी के अंदर डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए यार इस टॉपिक को, सारे के सारे बच्चे मुझे बताएंगे यार।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर वन करेक्शन इज देयर, तो लेट मी फर्स्ट डू दैट। ये अंडर रूट सेवन है, ये रूट थ्री नहीं है, और यहां पे अंडर रूट सेवन है। ओके, दिस इज अंडर रूट सेवन ओवर हियर, अंडर रूट सेवन, और ये चीज नहीं। तो ठीक है, इफ द लाइन दिस इज नॉर्मल टू द हाइपरबोला दिस, देन अ वैल्यू ऑफ एम इज गोइंग टू बी व्हाट। मैंने कहा ठीक है चलो, अब मैंने आप लोगों को क्या एम स्लोप की नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी ये याद करवाई है? नहीं सर, आपने तो याद नहीं करवाई। तो यहां पर मुझे एम स्लोप की नॉर्मल अगर मैं लिख पाता, या अगर आपने वो वाला फॉर्मूला भी याद कर लिया होता, तब तो आप बड़े आसानी से कर लेते। अब आपको मैंने एम स्लोप की नॉर्मल का इक्वेशन बताया नहीं, मैंने आपको क्या बताया कि भैया अगर मुझे इस हाइपरबोला के लिए, अगर मुझे इस हाइपरबोला के लिए नॉर्मल का इक्वेशन लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अपन इस हाइपरबोला के लिए कैसे लिखते हैं? अपन लिखते हैं ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे करके लिखते हैं सारे के सारे बच्चे। नॉर्मल का इक्वेशन फॉर दिस हाइपरबोला याद है आप लोगों को, क्योंकि एलिप्स के लिए अपन ने देखा था कि यहां पे भी माइनस आता है, यहां पे भी माइनस आता है नॉर्मल में। तो बी स्क्वायर की जगह अगर माइनस बी स्क्वायर डालते तो हाइपरबोला की नॉर्मल आ जाती है, ये चीज सिखाई थी मैंने। अच्छा, अब मैं इसको अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूं, तो y वाले टर्म्स को इधर ही रख लिया, x वाले टर्म्स को इधर भेजा, तो आई एम हैविंग समथिंग लाइक दिस। सारे के सारे बच्चे यस, क्या किया है? केवल इस टर्म को मैं उधर लेके चले गया हूं। अच्छा, मैंने कहा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म के अंदर लिखना है, तो इस वाले y1 को और इस b स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने कहा यार y1 मैंने यहां पहुंचा दिया, बी स्क्वायर मैंने यहां पहुंचा दिया, वाई वन मैंने यहां पहुंचा दिया, बी स्क्वायर मैंने यहां पहुंचा दिया, तो ये दोनों यहां से गायब हो जाएंगे। जी सर, तो अगर मैं यहां पर m का वैल्यू देखूं बच्चों, तो ये m का वैल्यू मेरा ये हो गया, क्योंकि ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में बन गई, और ये वाला वैल्यू मेरा इक्वेशन के हिसाब से रूट सेवन हो गया। यस और नो सारे के सारे बच्चे? देखो ये नॉर्मल मुझे गिवन था, तो मैंने नॉर्मल का इक्वेशन ऐसा लिखा, इसी को मैंने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में बनाया, तो ये ऐसा बन गया। समझ में आ रही है बात? अब देखो जरा, रूट सेवन का वैल्यू आपका किसके इक्वल आ गया? सर ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स वाई वन अपॉन बी स्क्वायर। क्या आपके पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू है? जी सर, ए स्क्वायर का वैल्यू 24, बी स्क्वायर का वैल्यू 18, तो मैंने कहा पुट कर दो यार, तो ये आ गया रूट सेवन इज इक्वल टू, रूट सेवन इज इक्वल टू, ये आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया? 24 प्लस 18 टाइम्स y1 डिवाइडेड बाई 18। तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास y1 का वैल्यू आ जाएगा, और x1 कॉमा y1 इज अ पॉइंट एट विच वी आर ड्रॉइंग द नॉर्मल, तो दैट पॉइंट हैज टू लाई ऑन द हाइपरबोला और नॉट एवरी वन। यस चलिए, तो ये कितना आ गया? रूट सेवन इंटू 18 डिवाइडेड बाई 42, तो ये 6 के टेबल में आता है तो 3 हो गया, ये 7, तो मेरे ख्याल से ये और कट के आपके पास आ जाएगा 3 बाय रूट सेवन। यस ओ नो? ये आपका y1 का वैल्यू आ गया। नाउ पॉइंट x1 कॉमा y1 लाइज ऑन द हाइपरबोला, सही बात है कि गलत? पॉइंट x1 कॉमा y1 लाइज ऑन द हाइपरबोला, आपने कहा जी सर, एक बात तो ये, और दूसरी बात क्वेश्चन आपसे क्या निकालना चाह रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि यहां पे m का वैल्यू बताओ, m का वैल्यू यानी ये वाला वैल्यू। अब इस वैल्यू को लिखने के लिए आपके पास ए स्क्वायर है सर, पी स्क्वायर है सर, y1 अपन ने निकाल लिया, x1 अपने को निकालना है। समझ में आ रही है बात? इसीलिए हम x1 और y1 निकाल रहे, बिकॉज m की वैल्यू को निकालने के लिए हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स वन और y1 चाहिए थे। तो y1 तो हमने ऐसे निकाल लिया, बट x1 कैसे निकालेंगे? वी नो दैट द पॉइंट x1 कॉमा y1 लाइज ऑन दिस हाइपरबोला, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई अगर करेगा तो मैंने कहा x1 स्क्वायर अपॉन 24 माइनस y1 स्क्वायर, y1 स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 अपॉन 7, और ये हो गया 18 इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करने पर कैन वी गेट द वैल्यू ऑफ x1 किड्स? x1 का वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा सारे के सारे बच्चे मुझे बताएंगे? और x1 का वैल्यू अगर मेरे पास आ गया तो डोंट यू थिंक कि m का वैल्यू आ जाएगा आपके पास? तो देयरफॉर m इज इक्वल टू क्या है? माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स वन इंटू बी स्क्वायर और ऊपर है वाई वन, तो एक्स वन का वैल्यू और आ गया, y1 का वैल्यू आ ही चुका है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू है ही है, पुट करके m का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा सारे के सारे बच्चे बताएंगे मुझे? ये भी रीसेंट ईयर प्रॉब्लम है जेई का।
यस एवरीवन, इजी किल कैटेगरी के अंदर है कि नहीं? आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे, लिखेंगे क्वेश्चन का नाम क्वेश्चन नंबर डबल स्टार। इस क्वेश्चन का नाम है क्वेश्चन नंबर डबल स्टार। आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताएंगे। यहां से x1 का वैल्यू आ जाएगा, x1 और y1 आपके पास आ चुके हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपके पास ऑलरेडी है, तो आपके पास m का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? किसी को कोई डाउट किसी प्रकार का? मुझे नहीं लगता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इफ द सेंट्रिसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड हाइपरबोला पासिंग फ्रॉम द पॉइंट 4,6 इज 2, देन द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द पॉइंट एट 4,6। देखिए, सबसे पहली बात तो आप समझिए कि आपको हाइपरबोला कैसा है, दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ तो आपने ऐसा मान लिया। अब इस हाइपरबोला के ऊपर एक पॉइंट लाए कर रहा है 4,6। अगर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है एट एनी पॉइंट लाइंग ऑन द हाइपरबोला, तो टेंजेंट एट पॉइंट 4,6 इज गिवन बाय t इज इक्वल टू 0, सिंस द पॉइंट इज लाइंग ऑन द हाइपरबोला। अब t इज इक्वल टू 0 लिखने के लिए आपको एक तो पॉइंट ऑन द हाइपरबोला चाहिए था, जो तो आपको गिवन है 4,6। आपको हाइपरबोला का इक्वेशन भी चाहिए, वो आपको नहीं गिवन, तो आपको हाइपरबोला का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। और हाइपरबोला की इक्वेशन में अगर मैं मेजरली बात करूं तो a और b, ये दो चीजें आपको निकालनी पड़ेगी। आपने कहा ठीक है यार, क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको एक चीज दी हुई है क्या, कि इसेंट्रिसिटी का वैल्यू आपका 2 है। आपने कहा ठीक है यार, एक तो ये चीज, दूसरी आपका पॉइंट 4,6 इज लाइंग ऑन दी हाइपरबोला और नॉट? यस सर। तो अगर आपने हाइपरबोला ऐसा माना था तो आपका हाइपरबोला ऐसा होगा इक्वेशन वाइज, तो यहां पर पासिस थ्रू द पॉइंट 4,6, यानी 4,6 इसको सेटिस्फाई करेगा। 4,6 अगर इसको सेटिस्फाई करेगा बेटे, तो आप लिख सकते हो 16 by a square minus 36 by b square is equal to 1। और आपको याद होगा कि हाइपरबोला के अंदर a greater than b ऐसी कोई चीज नहीं होती है ना? यस yes. तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, और इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया लेट से। और आप मुझे यहां पर बताइए कि सेंट्रिसिटी और a और b में क्या रिलेशन होता है, ये वाला रिलेशन होता है कि नहीं? इन तीनों का यूज करके क्या आप a, e और b पता कर सकते हो? a, e और b पता चल गया तो हाइपरबोला की इक्वेशन आ जाएगी, और इक्वेशन आ गई तो इस पॉइंट पे आप t इज इक्वल टू 0 लिख के टेंजेंट की इक्वेशन पता कर सकते हो। क्या रास्ता मिल गया आप लोगों को? तो चलिए सॉल्व करते हैं। e का वैल्यू 2 है, मैंने कहा यार यहां पे पुट कर देते हैं। यहां पे अगर e का वैल्यू आप पुट कर दोगे तो यह आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। कहने का मतलब है कि आपके पास 3 ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर आ जाएगा। अगर ये आ गया तो आपने इसको इस इक्वेशन के अंदर अगर पुट कर दिया तो ये इक्वेशन अब आपके पास क्या बन जाएगी, 16 by a square minus 36, बी स्क्वायर के जगह पे डाल दे रहा हूं 3a square is equal to 1। तो ये चीज आपके पास बन गई 16 by a square minus 12 by a square is equal to 1। तो यहां से a स्क्वायर कॉमन लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, और a स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो a का वैल्यू 2 आ जाएगा कि नहीं सारे के सारे बच्चे? अगर आपके पास a का वैल्यू 2 आ चुका है तो अब आप b का वैल्यू निकाल सकते हो। जी सर। कैसे? देखो जरा, फ्रॉम p स्क्वायर इज इक्वल टू 3 a स्क्वायर आपके b स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 × 4 बोले तो 12, तो b स्क्वायर का वैल्यू आपका 12 आ गया। मैंने कहा ठीक है, तो आपकी हाइपरबोला की इक्वेशन कैसी बन गई? सर आवर हाइपरबोला विल बी लुकिंग समथिंग लाइक दिस। कैसा? एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय 12 इज इक्वल टू 1। और अगर आपका हाइपरबोला ऐसा आ गया तो t इज इक्वल टू 0 विल गिव अस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉट? यस। तो t इज इक्वल टू 0 एट 4,6 अगर मैं निकालता हूं तो x इंटू एक्स वन अपॉन 4 माइनस वाई इंटू वाई वन अपॉन 12 इज इक्वल टू 1। ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन होगी कि नहीं? तो आपका आंसर कौन सा आ गया, x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 1, यानी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 बोले तो सी फॉर कैलकटा इज द करेक्ट आंसर। येस और नो किड्स? ये भी एक रीसेंट ईयर जेई मेन प्रॉब्लम है। आपको ये प्रॉब्लम्स कैसे लग रहे हैं यार, डुएबल लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, पहले तो मुझे ये बताना यार, बिकॉज ये बहुत जरूरी है कि हम लोगों को चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। देखिए कितने इजी काइंड ऑफ कैटेगरी के क्वेश्चन मैं कहूंगा, रीसेंट ईयर यानी 2019 20 और 21 के प्रॉब्लम्स हैं ये बच्चों, सारे के सारे प्रॉब्लम्स। और देखिए प्रॉब्लम्स का लेवल क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगर आपका हाइपरबोला है जिसका सेंटर इज एट द ओरिजिन ओके पासेस थ्रू द पॉइंट 4.6 एंड ट्रांसवर्स एक्सिस इज ऑफ लेंथ 4 अलोंग द एक्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है तो आपका हाइपरबोला ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यस सर। उस हाइपरबोला की ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ कितनी होती है 2a, तो वो 4 के इक्वल आपको गिवन है। आपने कहा ठीक है, आपका हाइपरबोला पासेस थ्रू 4.2, तो ये हाइपरबोला पासेस थ्रू 4.2 भी है, तो 4.2 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो गया 16/a² माइनस 4/b² इज इक्वल टू 1, इसको आपने सेकंड इक्वेशन नाम दे दिया। ठीक है, आपको इसेंट्रिसिटी निकालनी है। इस हाइपरबोला का एक रिलेशन आप ये भी जानते हो, तो आपके पास क्या चीज हो गई बेटा, आपके पास तीन इक्वेशंस और तीन अननोन्स ए ई और बी। आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है ई निकाल के बता दो, भैया क्या सवाल है जरा देखना। अगर मैं यहां पर फ्रॉम वन देखूं तो ये बन जाएगा 16/a, ए का वैल्यू कितना है सर, ए का वैल्यू 2 है, तो ए का वैल्यू 2 डाल दिया तो ये 4-4/b² इज इक्वल टू 1। तो कैन बी गाइस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी फ्रॉम हियर, अगर मेरा b यहां से आ गया तो a और b अगर मैं यहां पे डाल दूंगा तो इसेंट्रिसिटी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। सारे बच्चे रास्ता दिख रहा है, तो ये भी रीसेंट ईयर जेई मेंस का प्रॉब्लम है काके, रीसेंट ईयर जेई प्रॉब्लम। तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग मुझे बताएंगे। इस क्वेश्चन को मैं नाम दूंगा क्वेश्चन नंबर ट्रिपल स्टार। लिख के आप मुझे ए बी सी डी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है वो मुझे बताओगे। देखिए बी आपको यहां से मिल जाएगा, बी मिल गया तो यहां पे डाल दोगे, ए का वैल्यू आपको मिल ही गया है, तो इसेंट्रिसिटी के अंदर ये रिलेशन सीधे काम खत्म। समझ में आ गई बात, डुएबल लग रहे हैं सवाल की नहीं लग रहे भैया, लग ही रहे होंगे। इफ अ हाइपरबोला पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड इट हैज वर्टाइसेस दिस, अच्छा मेरे हाइपरबोला के वर्टाइसेस ये है 6.0 और -6.0, इससे मेरे को क्या समझ में आती है हाइपरबोला कौन सा होगा मेरा। सर मेरा जो हाइपरबोला होगा वो ऐसा वाला होगा, यानी कि x² / a² - y² / b² इज इक्वल टू 1, ये वाली कैटेगरी का होगा पहली बात। अच्छा आपको ये वर्टाइसेस दिए हुए, सॉरी है ना, ये वर्टाइसेस दिए हुए, अगर ये आपके वर्टाइसेस है तो आपके a की वैल्यू कितनी होगी, कैन एनीबडी टेल मी। वर्टाइसेस आपको दिए हुए 6.0 और -6.0, तो a की वैल्यू कितनी हो गई सर, a की वैल्यू 6 हो गई, यस और नो। मैंने कहा ठीक है यार, a की वैल्यू 6 हो गई और आपका पैराबोला इज पासिंग थ्रू 10.6 सीन, तो पासिंग थ्रू 10.16, तो 10.16 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये आ गया 100/a² - 256/b² इज इक्वल टू 1। ए का वैल्यू है, कैन यू गाइस फाइंड आउट बी फ्रॉम हियर, पी आप पता कर लोगे। आपको क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू इट एट पी लिखिए, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे लिखते हैं हम, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 10.16 कैसे लिखेंगे सर, अपन लिखते हैं a² x / x1 यानी 10 प्लस y² (y/y1) यानी 16 इज इक्वल टू a² + b² और मेरे ख्याल से a और b का वैल्यू आप निकाल चुके हो, a तो दिया ही हुआ है, b आप निकाल ही लोगे, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगा कि नहीं। सारे के सारे बच्चे देख लीजिए जरा, कुछ भी मुश्किल अगर लग रहा है तो आप मुझे बताइएगा, इसका आंसर आप मुझे खुद बताओगे क्वेश्चन नंबर फोर स्टार। और ये भी एक रीसेंट ईयर का जेई मेन प्रॉब्लम है, रीसेंट ईयर का जेई मेन प्रॉब्लम है, यस। देख लीजिए क्वेश्चन का लेवल देखिए यार, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा क्वेश्चन नंबर फोर स्टार लिख के आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर ड्रॉप करोगे, और आपको ये प्रॉब्लम्स जेई की कैसी लग रही है वो भी मुझे बताओगे। y = mx + c इज अ कॉमन टेंजेंट टू द हाइपरबोला दिस एंड दिस सर्कल, अगर आप लोगों को सर्कल की रेडियस a दी हुई हो तो आप उस पर टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, याद है आप लोगों को, y = mx + - radius टाइम्स √1 + m². तो ये तो m स्लोप की टेंजेंट हो गई, किसके ऊपर, सर्कल के ऊपर। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि m स्लोप की टेंजेंट अपन हाइपरबोला पे कैसे लिखते हैं, याद है आप लोगों को, तो आप बोल दोगे y = mx + √
ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि एलिप्स के लिए होती थी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह पे माइनस बी स्क्वायर डालते ही ये आ गया। मैंने कहा यार ठीक है, अपने को क्या पूछ रहा है, देन द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये हमको देखना है बच्चों। तो m का वैल्यू और c का वैल्यू इज वॉट वी नीड टू फाइंड आउट। सारे के सारे बच्चे ट्राई करेंगे यार एक बार इस क्वेश्चन को, कम ऑन किड्स एक बार ट्राई करेंगे। यस, देखिए जरा, आपको अगर ये फॉर्म्स याद है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, अगर आप फॉर्म्स भूल भी जाते हो तो भी आप क्या करोगे वो भी मैं बताऊंगा, देखिएगा जरा। तो अगर मैं m स्लोप की टेंजेंट इस पे लिखना चाहता हूं तो ऐसी आ गई, इस पे लिखना चाहता हूं तो ऐसी आ गई, अगर फॉर्म्स याद है तो। तो अब ये बोल रहा है क्वेश्चन कि ये जो m स्लोप की लाइन है ये कॉमन टेंजेंट है दोनों पर, तो m स्लोप की टेंजेंट इस पे भी है, m स्लोप की टेंजेंट इस पे भी है, तो ये दोनों कॉमन टेंजेंट है एज पर द क्वेश्चन। कॉमन टेंजेंट का मतलब ये है कि ये दोनों की दोनों सेम लाइंस होनी चाहिए, अगर ये दोनों की दोनों सेम लाइंस है तो इनका कॉन्स्टेंट टर्म भी सेम होना चाहिए कि नहीं, यानी कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों के दोनों सेम होने चाहिए कि नहीं। तो आपने कहा हाँ यार, तो मैंने कहा प्लस माइनस सिक्स अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का वैल्यू 100, एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा होना चाहिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो मैं लिख सकता हूं क्या, ये आ गया 36 वन प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया 100 एम स्क्वायर माइनस 64, तो इसको सॉल्व करेंगे 64 उधर चले जाएगा तो 100 उधर हो जाएगा, इधर 64 एम स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं m इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 बाई 8 यानी कि प्लस माइनस 5/4, प्लस माइनस 5/4, तो ना तो मेरा आंसर b है ना मेरा आंसर c है, यस एवरीवन, नहीं b नहीं है और ना आंसर d है, ना तो मेरा आंसर b है ना मेरा आंसर d है, इतना मुझे पता चल गया बिकॉज m का वैल्यू मेरे पास आ रहा है प्लस माइनस 5/4, यस एवरीवन, m का वैल्यू मेरे पास आ रहा है प्लस माइनस 5/4। मैंने कहा ठीक है यार फिर क्या करें, तो देखना जरा यहां पे, अब मुझे c का वैल्यू निकालना है एंड c इज दिस पर्टिकुलर टर्म, तो c का वैल्यू भले ये बोलो भले ये वाला बोलो, अल्टीमेटली इक्वेशन तो दोनों सेम है, इन्हीं दोनों को तो इक्वल करवाया है, तो भले ही c का वैल्यू ये बोलो भले ही c का वैल्यू वो बोलो एक ही बात है। तो c का वैल्यू आपके पास हो गया प्लस माइनस 6 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर देंगे तो c स्क्वायर इज इक्वल टू 36 टाइम्स 1 प्लस एम स्क्वायर, तो क्योंकि ऑप्शन ए और सी बचे हैं और उसमें मुझे सी स्क्वायर चाहिए इसीलिए, तो यहां पे सी स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर हो गया 36 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 25/16। इसको सॉल्व करिए बच्चों क्या आंसर आएगा, 36 बाय 16 इंटू 41। तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये तो हो गया 8, ये हो गया 18, ये हो गया 9, ये हो गया 4, तो 4c square is equal to 369, बोले तो c for Calcutta is the correct answer। देखेंगे जरा सारे के सारे बच्चे, ये भी एक recent year JEE problem है। अच्छा कुछ बच्चे अगर confuse कर रहे हैं सर 2019-20-21 में इतने सारे problems कैसे आ गए, तो बेटा आपको पता होगा कि attempts जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं ना, जैसे 2021 के अंदर 4 attempts थे, तो questions ऐसे ही आ रहे, कोई level नहीं rise हो रहा है इन particular chapter से। तो मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं, तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज सी फॉर कैलकटा, राइट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, लेट पी 3.3 बी अ पॉइंट ऑन द हाइपरबोला दिस, ओके, इफ द नॉर्मल टू इट एट पी इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट दिस एंड डिसेंट्रिसिटी इज ई, देन द ऑर्डर्ड पेयर ए स्क्वायर कॉमा ई स्क्वायर इज गोइंग टू बी व्हाट। कहने का मतलब है आप ए और ई निकाल लो आपका काम बन जाएगा, और हाइपरबोला के ऊपर 3.3 पॉइंट लाई कर रहा है, अगर हाइपरबोला के ऊपर 3.3 पॉइंट लाई कर रहा है तो ये इक्वेशन तो हो ही गई, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू, सॉरी यस ठीक है, मैंने कहा ठीक है इसको एक इक्वेशन नाम दे देते हैं अपन, है ना, इसको एक इक्वेशन अपन नाम दे देते हैं, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, इफ द नॉर्मल टू इट एट पी इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट 9.0, तो नॉर्मल की इक्वेशन अगर लिखते हैं इस हाइपरबोला के लिए तो वो क्या आती है, ए स्क्वायर एक्स बाय एक्स वन प्लस बी स्क्वायर वाई बाय वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छा एक्स वन कॉमा वाई वन का वैल्यू कितना हो गया 3.3, बिकॉज एट पी नॉर्मल लिख रहे हैं हम, तो एक्स वन और वाई वन का वैल्यू 3.3 हो गया, ठीक है। तो ये मुझे बोल रहा है इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट 9.0, तो
तो ये 9,0 से सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो 9,0 से अगर मैं सेटिस्फाई कराता हूँ तो ए स्क्वायर बाय 9 बाय 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा हो जाएगा बेटे। तो ये आ गया 3 ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गया मेरे पास 2 ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये एक और रिलेशन आ गया मेरे पास ए और बी में। तो यहाँ से मैं इसको वहाँ पर डाल दूंगा तो मेरे पास ए और बी की वैल्यू निकालना आसान हो गया है मेरे ख्याल से, राइट। तो मैंने कहा ठीक है यार, तो फ्रॉम 1 एंड 2 कैन वी गाइज फाइंड आउट ए एंड बी। फ्रॉम 1 एंड 2 फाइंड ए एंड बी। और अगर ए और बी आ गए तो इसेंट्रिसिटी निकालना क्या बड़ी बात है, बिकॉज इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है। सारे के सारे बच्चे फाइंड ई फ्रॉम हियर, कर सकते हैं ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को भी मैं होमवर्क दे रहा हूं, इसका आंसर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार ऐसा लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार और उसका आंसर ए बी सी डी क्या आंसर है वो मुझे बताएंगे। एंड दिस इज ऑल्सो अ रीसेंट ईयर जेई प्रॉब्लम बच्चों। लड्डू है कि नहीं है यार, बताते रहे है ना कमेंट सेक्शन के अंदर, बिकॉज बच्चों का कॉन्फिडेंस इस टॉपिक के अंदर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चों को ये टॉपिक हम अखा छोड़ के जाते हैं बच्चे। तो यार ये चीज आप जरूर लिखेंगे जो भी कोई इस वीडियो को देख रहा है। अ लाइन पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन दिस इज टेंजेंट टू द हाइपरबोला। तो मैंने कहा यार इस लाइन का स्लोप कितना है, वाई इज इक्वल टू एक्स बाई टू है तो स्लोप हाफ है। तो हाफ स्लोप की मुझे बेसिकली टेंजेंट लिखनी है इस हाइपरबोला के ऊपर। ओके, टेंजेंट एट द पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन, ठीक है। तो मैंने कहा यार पहली बात तो मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अगर मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एक्स वन कॉमा वाई वन है तो मैं उसको t इज इक्वल टू जीरो से लिख सकता हूं। बच्चे बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, बिकॉज द पॉइंट इज लाइंग ऑन द हाइपरबोला। तो मैंने लिखा x इंटू एक्स वन अपॉन फोर माइनस y इंटू वाई वन अपॉन टू इज इक्वल टू वन। इसका मैं स्लोप निकालने की कोशिश करता हूं अगर, तो मैं अपनी इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूं बेटा। तो मैं स्लोप निकालने के लिए यहां पे मुझे ये y1 by 2 हटाना पड़ेगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया कैसा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2 by y1 यहां पे आ गया और ऐसे ही 2 by y1 मेरे पास यहां पे आ गया। तो मेरे पास ये जो टेंजेंट हुई इसका स्लोप कितना हो गया सर, गिवन स्लोप वॉज 2 बिकॉज इस लाइन के पैरल लिखनी थी। तो इसका स्लोप अगर 1 by, इसका स्लोप एक मिनट, y इज इक्वल टू 2x है ना, ये तो y इज इक्वल टू 2x है सॉरी। तो ये स्लोप कितना हो गया, अगर ये y इज इक्वल टू 2x है तो इसका स्लोप 2 हो गया। तो ये जो मेरी इक्वेशन है इसका भी स्लोप गिवन स्लोप इज इक्वल टू 2 है। तो मैंने कहा यार x1 अपॉन y1 का मेरे पास वैल्यू आ गया, कितना आ गया 2 आ गया, बिकॉज 2 से 2 तो कट जा रहा है। तो ये मेरे पास इक्वेशन 1 हो गई। एक और चीज बताओ, x1 और y1 के अंदर एक रिलेशन तो ये आ गया, और क्या रिलेशन होगा कि मेरे पास x1 और y1 की वैल्यू आ जाए, और जैसे ही x1 और y1 की वैल्यू आ जाएगी वो मैं यहां पे डालूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। क्या रिलेशन होगा सोचेंगे जरा सारे के सारे बच्चे। सर द पॉइंट x1 कॉमा y1 लाइज ऑन, द पॉइंट x1 कॉमा y1 लाइज ऑन द हाइपरबोला। हाँ या ना, तो हाइपरबोला के ऊपर करवा दिया उसको सेटिस्फाई। तो आ गया x1 स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई वन स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 1। तो ये को मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कैन बी सॉल्व फॉर x1 एंड y1, सॉल्व फॉर x1 एंड y1। निकालना कोई बड़ी बात है क्या, देखो जरा यहां से x1 का वैल्यू 2 y1 आया, इसको यहां पे पटक देंगे और फिर आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 स्टार आप लोगों के लिए होमवर्क की तरफ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में आ रहा है। इसका आंसर ए बी सी डी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताएंगे। और बाय द वे ये भी एक रीसेंट ईयर जेई का प्रॉब्लम है। एवरीवन क्लियर हो रही है चीजें कि नहीं हो रही है यार। आज के लिए अपने को सेशन यहीं पर एंड करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूं कि आप लोगों को इस टॉपिक के अंदर स्माइली बन रही है कि नहीं बन रही है, जेई मेंस के क्वेश्चंस और आप लोगों से बड़े आसानी से सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसका फीडबैक आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखकर बताएंगे,
जरूर बताएंगे, लिखना ही है, मतलब जो भी है, पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है नहीं हो रहा है जो भी है। और याद करने की ट्रिक्स मैं आप लोगों को कहाँ सिखा रहा हूँ, पिछली क्लास के अंदर सिखाया था, यहाँ आज कुछ याद करने लायक था ही नहीं, तो ट्रिक्स की जरूरत ही नहीं पड़ी। आज हमने मेजोरिटी ऑफ द टाइम थ्योरी जो कि ऑलमोस्ट रिलेटिव थी एलिप्स के जैसी वो देखी, फिर हम लोगों ने जेई मेन्स के इतने सारे क्वेश्चंस किए एंड दैट टू ऑफ द रीसेंट ईयर्स। तो आई होप कि आप लोगों को इस सेशन के अंदर मजा आया होगा। अगर आपको ये सेशन आज का इजी लगा तो जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर बिलो द वीडियो, इजी है इजी है। अगर आपको ये सेशन और जेई मेन्स के क्वेश्चंस इजी लगे हैं तो डू पुट दिस कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो द वीडियो कि इजी है, ताकि मुझे लगे कि भैया हाँ बच्चों को मजा तो आया है, मजा तो आया है और इजी भी लगा है, और अब वो इन मार्क्स को गारंटीड गारंटीड लेके रहेंगे, राइट? हाँ, तोड़ेंगे नहीं भैया, राइट? इतने इजी मार्क्स हैं यार, खामखा बच्चे डरते रहते हैं, है ना? तो मार्क्स ये ग्रैब करने हैं अपने को, राइट? हाइपरबोला बहुत ही लड्डू टॉपिक है, अगर इस एलिप्स के ऊपर कमांड बना डाला तो बोनस है फिर तो, ये समझ में आ गई बात। चलिए जी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप शाइनिंग कीप रॉकिंग कीप एंजॉइंग, लेट्स मेक मोस्ट आउट ऑफ दिस। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।